嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽。嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽。嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽。嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽，嗡嘛呢呗咪吽。

स्वागत करें। धन्यवाद नमो बुद्धाय परम आदरणीय श्रद्धे कुलपति महोदय सभा में उपस्थित विद्वत जन सभा में उपस्थित शिक्षक कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं आप सभी का स्वागत एवं भगवान बुद्ध की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को सत्य अहिंसा प्रेम शांति करुणा त्याग संयम एवं समरसता का संदेश देने संदेश देने वाले बौद्ध धर्म के संस्थापक अष्टांगिक मार्ग के प्रणयता हम सभी के आदर्श महाकरुणा करुणिक शाक्य के शिरोमणि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की दो हजार पाँच सौ इक्कीसवीं जन्मोत्सव बुद्ध पूर्णिमा एवं त्रिगुण पावन पर्व वैशाख पूर्णिमा की आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं तथागत सिद्धार्थ का जीवन समसामयिक परिवेश में भी उतना ही अनुकरणीय है जितना वह भारत के यशस्वी काल में था तथागत के वचन आज भी हम सबको मार्ग दिखाते हैं हिज लाइफ गाइड्स एज इन दिस वॉर एंड हेट स्ट्राइफ फ्रीडम सोसाइटी विथ लव कम्पैशन एंड वर्ल्ड पीस मुझे पूर्ण विश्वास है कि समस्त वक यहाँ उपस्थित हमारे अनुरोध पे आए महानुभावगण समस्त वक्ता अपने विचारों से हमें अभिभूत करेंगे एवं तथागत के जीवन कृत्यों के वर्णन से हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे हमारे बीच में उपस्थित अनेक संस्थाओं से आए जन को और इस सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण और जितने लोग उपस्थित हैं मेरा सादर अभिनंदन और स्वागत धन्यवाद धन्यवाद मैम अब मैं शोध पत्रिका के तिरसठवें अंक के परिचय के लिए दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग के विभागाध्यक्ष श्री टी आर जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर परिचय दें नमो भगवतो सम्मा सम्बोधस बुद्धम नमा सतत वर पद्मीम मैत्रिया तमक गगनगंज सामतभ्रम योद्यत मंजुघोष विषकंबिण चितितिधन नमा भक्त क्रमशर्दयुस मंच में उपस्थित कुलपति महोदय एवं माननीय कुलसचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हुए सम्मानित विद्वत वृंद शहर से एवं सारनाथ स्थित विभिन्न देश विदेश के बोध विहारों एवं संस्थानों से पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण संस्थान के वरिष्ठ आचार्य प्राध्यापक एवं अधिकारीगण शोध विभाग के समस्त सहयोगी वृंद संस्थान परिवार के कर्मचारीगण एवं छात्र बंधु, सर्वप्रथम मैं इस आयोजन में उपस्थित समस्त महानुभावों को बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आभार प्रकट करता हूँ शोध पत्रिका के तिरसठवें अंक का माननीय कुलपति जी के द्वारा भगवान बुद्ध को अर्पण करने से पूर्व मैं इस अंक में प्रकाशित लघु ग्रंथों एवं आलेखों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ इस सभा स्थल में उपस्थित अधिकांश लोग इस बात से परिचित हैं कि पटना संग्रहालय बिहार सरकार तथा केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ के मध्य हुए समझौता ज्ञापन के तहत महापंडित राहुल सांक्यान के द्वारा तिब्बत से लाई गई पांडुलिपियों के संपादन का दायित्व दुर्लभ बौद्ध ग्रंथ शोध विभाग को विगत तीन वर्ष पूर्व सौंपा गया था तब से निरंतर धी शोध पत्रिका के माध्यम से इन पांडुलिपियों का प्रकाशन हो रहा है प्रस्तुत अंक में भी राहुल संग्रह से प्राप्त बज्रयान साधनोपायिका से संबद्ध चौदह लघुकरण और एक स्त्रोत्र का प्रकाशन किया गया है इनके अतिरिक्त इस अंक में दो आलेख तथा बज्रयान से संबद्ध बोर्ड ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है इस अंक के आरंभ में निरात्म श्रुति नामक स्तोत्र प्रकाशित किया गया है इस स्तोत्र की लिपि इस स्तोत्र की लिपि भुजिमोल है तथा इसका संपादन टी आर शासनी ने किया है श्री बोध डामर भट्टारक साधनम नामक ग्रंथ के रचयिता महापंडित महामंडलाचार्य सुबूति पालित पाद हैं इस ग्रंथ की लिपि वर्तुल है इस ग्रंथ की पांडुलिपि के कुछ अंश खंडित हैं इस ग्रंथ का अनुवाद उपलब्ध नहीं है और इसका संपादन टी आर शासनी ने किया है इसी क्रम में दूसरा ग्रंथ बुद्ध डामर मंडल विधि है इस ग्रंथ की भी लिपि वर्तुल है इस ग्रंथ का अंतिम पांडुलिपि पत्र अनुपलब्ध होने से से ग्रंथ नाम एवं रचनाकार के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है अनुवाद में इस ग्रंथ का नाम श्री बुद्ध डामर मंडल विधि तथा रचनाकार का नाम सुमुति सुमति पालित सूचित है ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड संस्करण में सुमुति पालित के स्थान पर सुमति पालित अनुदित हो गया इस ग्रंथ का संपादन टी आर ने किया है अब अगला ग्रंथ है ब्रमह हर साधनम नाम हे साधनोपय का नामक ग्रंथ महापंडित रत्नाकर शांति की कृति है इसकी एक अन्य प्रति के उनचासवें अंक में प्रकाशित हुई है जो इस संस्करण से भिन्न है इस ग्रंथ का बोट संस्करण भी प्राप्त है इन दोनों संस्करणों का उपयोग संपादन में किया गया है इस ग्रंथ का संपादन टी आर शासनी डॉक्टर विजयराज वज्राचार्य तथा डॉक्टर सरीन डोलकर ने किया है श्री हेव्रज्र से साधनोपायिका के रचनाकार आचार्य सरो बज्रपाद हैं इसकी भी एक भिन्न प्रति धी के छत्तीसवें अंक में प्रकाशित हुई है इस ग्रंथ का बोटा अनुवाद श्री हेव्रज साधन साधनम नाम से उपलब्ध है इन दोनों संस्करणों का भी उपयोग संपादन में किया गया है इस ग्रंथ का संपादन टी आर शासनी डॉक्टर विजयराज बज्राचार्य तथा डॉक्टर सरीन डोलकर ने किया है बलि अधिकार नामक ग्रंथ का रचनाकार अज्ञात है इस ग्रंथ की लिपि मागदी तथा ग्रंथ का संपादन टी आर शासनी ने किया है इसी क्रम में आगे श्री हे बजराय भी समेत तिलकम नामक कृति महापंडित सतव शाह के रक्षित पात की है इसकी लिपि भुझिमोल है इसका अनुवाद उपलब्ध है इस ग्रंथ का संपादन टी आर शासनी तथा डॉक्टर ललित कुमार नेगी ने किया है बज्राचार्य दुर्जय चंद्रोदृत षडंग साधनम नामक ग्रंथ छियासी श्लोकों में निबद्ध है इस ग्रंथ की लिपि भुजिमोल है इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर विजयराज राज तथा टी आर शासनी ने किया है हे वज्र पूजा विधि ग्रंथ का लेखक अज्ञात है यह ग्रंथ भुजिमोल लिपि में रचित है तथा इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर विजयराज राज तथा टी आर शासनी ने किया है नाड़ी चक्राभिसंबोधी नाम साधनोपाय का श्री हेरुक तंत्रानुगता परम गंभीरोत्पन्न उत्पन्न क्रम स्वरूपाह इस ग्रंथ के रचनाकार पंडित श्री दिवाकर चंद्र हैं इस ग्रंथ की लिपि भुजिमोल है इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर विजयराज राज बज्राचार्य तथा टी आर शासिनी ने किया है में साधम नामक ग्रंथ का रचनाकार अज्ञात है इस ग्रंथ की लिपि भुजिमोल है तथा इसका संपादन डॉक्टर रंजन कुमार शर्मा डॉक्टर विजयराज बज्राचार्य तथा टी आर शास ने किया है श्री हे बज्रत से यथालब्ध साधनम काव्य रचनाकार अज्ञात है इस ग्रंथ की लिपि बुझीमोल है तथा इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर रंजन कुमार शर्मा डॉक्टर विजयराज बजाच तथा टी आर शास्त्री ने किया है इस क्रम में आगे श्री हे बज्र से पूजा विधि नामक ग्रंथ में लेखक का नाम सूचित नहीं है इस ग्रंथ की लिपि बुझीमोल है तथा इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर रवि गुप्त मौर्य डॉक्टर विजयराज बजाचर्य तथा टी आर शास्त्री ने किया है श्री हे बज्र तंत्रोक्त बलिविधि काव्य Dakar, का भी रचनाकार अज्ञात है इस ग्रंथ की लिपि बुजिमोल है यह साधन ग्रंथ संक्षिप्त रूप में रचित है इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर रविगुप्त मौर्य डॉक्टर विजयराज बज्राचार्य तथा टी आर शास्त्री ने किया है बाह्य पूजा विधि संग्रह नामक ग्रंथ आचार्य शाश्वत बज्र की रचना है इस ग्रंथ की लिपि बुजिमोल है इस ग्रंथ का संपादन डॉक्टर रविगुप्त मौर्य डॉक्टर विजयराज बज्राचार्य तथा टी आर शास्त्री ने किया है इनके अतिरिक्त इस इस अंक में दो आलेख भी हैं तो उसमें पहला आलेख है बौद्ध बोड़ एवं बौद्धता तंत्रों में भगवती तारा का स्वरूप इस आलेख के रचनाकार आदरणीय डॉ. डॉक्टर वंशु नेगी जी हैं इस निबंध में आपने सनातन परंपरा तथा बौद्ध परंपरा में भगवती तारा की उत्पत्ति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है इसके बाद दूसरा आलेख जो है श्री लघु चक्र तंत्र राज एवं उसकी टीका विमल प्रवाह में उद्धत आयुर्विज्ञान के समीक्षा इस आलेख में अध्यात्म पटल के रसायन रसायन आदि बाल तंत्र महोदेश में लौकिक एवं लोकोत्तर सिद्धि हेतु उपदेशित तनुरक्षण के, के अंतर्गत आयुर्विज्ञान तथा रसायन शास्त्र के समीक्षा दी के पूर्व अंकों में की गई थी इसी सातत्य में इस अंक में इसके अंतिम अंश बाल तंत्र की समीक्षा की गई है इस आलेख की रचना डॉक्टर रवि गुप्त मौर्य ने की है और इस अंक में अंतिम जो ग्रंथ है वो है इस अंक में प्रकाश अंतिम ग्रंथ बोटाचार्य कुंगा मिंजूर दुर्जय विरचित अंतराभव अधना की टीका गंभीर आशु मार्ग सोपान नाम संक्षिप्त अभिधेयार्थ इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सरिन डोलकर ने की है यह ग्रंथ आकार में काफ़ी बड़ा है इसलिए इसका हिंदी अनुवाद आंशिक रूप से दी के अंकों में क्रमशः प्रकाशित हो रहा है संक्षेप में इतने सामग्री इस अंक में हम लोगों ने दिए हैं अब मैं माननीय कुलपति जी से इस अंग को तथागत बुद्ध को अर्पित करने के लिए साधन निवेदन करता हूँ धन्यवाद सर अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर प्रद्युमन दुबे जी से निवेदन करूँगा कि वे मंच पर आएं और हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें आप पूर्व अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी विश्वविद्यालय से हैं इस सभा के सभापति सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दौरजे नेगी जी इस संस्थान की सचिव डॉक्टर सुनीति चंद्रा जी नाम सही याद है कि नहीं <laughs> और सभा में उपस्थित विद्वत वर्ग प्रोफेसर लाल जी देख नहीं पा रहा हूँ पता नहीं प्रोफेसर बिमलेंद्र जी हैं कि नहीं प्रोफेसर हर प्रसाद अच्छा प्रोफेसर विमलेंद्र जी प्रोफेसर हर प्रसाद शास्त्री जी और प्रोफेसर अधिकारी जी ए, और अन्य सबको देख नहीं पा रहा हूँ क्षमा कीजिएगा सबका नाम भी नहीं जानता, जानता। मैं भगवान बुद्ध के कर्म और कर्म फल का जो सिद्धांत है या उनके अनुसार जो उन्होंने बताया है बुद्ध वचन के अनुसार कर्म और कर्म फल पर अपना विचार व्यक्त करूंगा और यदि समय कहीं अधिक होता रहे तो मैं अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वह संकेत कर दें कि कहीं अधिक मैं बोल रहा हूँ तो कुछ विराम दूंगा लंबा तो ऐसे नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी <laughs> मझिम निकाय में एक सूत्र है चूल कम विभंग सूत्र एक व्यक्ति है उसका नाम है शुभ माणव या शुभ माणव कह सकते हैं तो दे पुत्र आता है कि तो का पुत्र है वह उस समय भगवान बुद्ध का शिष्य नहीं बना है अभी और पूछता है उनसे कि हे गौतम इस संसार में सभी तो मनुष्य हैं मनुष्य रूप में दिखाई देते हैं लेकिन कोई अल्पायु होता है कोई दीर्घायु होता है कोई बहुत रोगों से ग्रस्त होता है कोई निरोग होता है कोई निर्धन होता है कोई धन संपन्न होता है कोई कुरूप होता है कोई सुंदर शरीर वाला होता है कोई निम्न कुल में उत्पन्न होता है कोई उच्च कुल में उत्पन्न होता है कोई दुष्प्रज्ञ या मूर्ख कह सकते हैं होता है और कोई प्रज्ञावान आया बहुत बुद्धिमान होता है तो क्या कारण है भगवान बुद्ध ने कहा कि इस सब का कारण कर्म है कर्म ही मनुष्य की अपनी संपत्ति होती है कर्म ही उसका बंध होता है कर्म ही को वह अधिकार में पाता है जैसे वसीयत में कोई पुत्र अपने पिता की वसीयत प्राप्त करता है तो वैसे ही कर्म से ही वह प्राप्त करता है कर्म ही उसका मूल होता है योनि होती है या मूल होता है और कर्म ही उसका की प्रतिशरण होती है मतलब कर्म का कर्म ही उसका रक्षक होता है <laughs> फिर वह व्याख्या करते हुए बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है उसमें ग्रंथ में आया है पुस्तक में स्त्री या पुरुष दोनों को कहते हुए मैं व्यक्ति कहता हूँ और ये कोई व्यक्ति है और वह जीवों की हिंसा करता है प्राणातिपात करता है जीवों की हिंसा करता है निर्दयी होता है और दूसरों के हित को ही चाहने वाला होता है ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त करता है तो नरक में जाता है यदि कहीं कुछ थोड़ा सा भी किंचित मात्र अच्छा का उसके कार्य हुए मनुष्यों में उत्पन्न होता है तो अल्पायु होता है परंतु इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति वह जीव हिंसा नहीं करता दयावान होता है जीवों के हित के लिए कार्य करता है प्राणियों के हित के लिए कार्य करता है तो और वह मृत्यु मृत्युपरांत स्वर्ग में जाता है यदि मनु, और यदि योनि में जन्म लिया कुछ निम्न कर्म हुआ योनि में जन्म लिया तो वह दीर्घायु होता है और पुनः ऐसे ही अच्छा व्यवहार उस जीवन में भी जीवों के प्रति रखता है पुनः बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति चाहे हाथ से ढेला या पत्थर से या किसी शस्त्र से प्राणियों को कष्ट देता रहता है मारता रहता है तो ऐसा व्यक्ति अब बार बार मैं स्वर्ग नरक की बात नहीं करूँगा केवल मनुष्यौन की बात करूँगा तो कि बार बार वह दोहराना पड़ेगा जब वह यदि वह मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है मनुष्य होता है तो वह अनेक रोगों से ग्रस्त होता है और इसके विपरीत जो जीवों को कोई कष्ट नहीं देता उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है उनको मारता नहीं पीटता नहीं उनके कल्याण के लिए कार्य करता है तो वह मनुष्य लोक में आने पर वह स्वस्थ होता है निरोग होता है पाली में शब्द प्राय आता है अपा बाधो मतलब कम से कम वह एक तरह से नगण्य जैसा कि उसको रोग हो ऐसे ही अपिछता होता है जहाँ का अर्थ है कि इच्छा का लगभग अभाव तो ये अपने टेक्स्ट में जो शब्द आया है अप्पावाध हो बहु बहुआ बात हो मतलब बहुत से रोगों से ग्रस्त और नगण्य रोग कहिए या स्वस्थ शरीर वाला होता है पुनः आगे वह बताते हैं कि कोई व्यक्ति क्रोधी होता है दूसरे की किसी बात को थोड़ा सा भी बात उसके विपरीत यदि कही जाए या उसके मन के अनुरूप नहीं कही जा तो बड़ा क्रुद्ध हो जाता है उससे द्रोह कर लेगा द्वेष करेगा ऐसा व्यक्ति मृत्यु उपरांत मृत्यु के उपरांत या पश्चात वह जो है वह कुरूप होता है और जो क्रोध रहित होता है कि बहुत भी कि कोई उसके विपरीत कहे उसके ए, खिलाफ कहे विरोध में कहे तब भी वह बुरा नहीं मानता न क्रोध करता है न उससे कोई द्वेष करता है वह व्यक्ति मृत्यु परांत सुंदर शरीर वाला होता है तो इस तरह से फिर यह बताते हैं कि जो दूसरों के लाभ सत्कार सम्मान को सहन नहीं करने वाला ये व्यक्ति मृत्यु के पश्चात वह निर्बल होता है और जो दूसरों के मान सम्मान वंदन पूजन इस सबसे प्रसन्न होता है वह शक्ति संपन्न होता है शक्तिमान होता है और जो समर्थ होते हुए भी श्रवणों और ब्राह्मणों को भोजन आदि या जो आवश्यक कहीं वस्त्र है इत्यादि नहीं देता तो वह पुनः मृत्यु परांत दरित होता है और, और जो इसके विपरीत जो उदार होता है इनको सब आवश्यक चीज़ें देता है वह समृद्ध होता है अगले जन्म में और जो व्यक्ति हठी और अभिमानी होता है जो अपने बड़ों का बंदनियों का गुरुओं का सम्मान नहीं करता वह वह भी वह अकुलीन या निम्न कुल में उत्पन्न होता है इसके विपरीत जो है जो उदार होता है जो उनके आने पर उठ उठता है प्रणाम करता है वंदन करता है अभिवादन करता है पूजनीय है, पूजा करता है वह ए, वह जो है कुलीन परिवार में उच्च परिवार में उत्पन्न होता है एक बुद्ध वह एक गाथा है आयुंग सगं वर्ण रतियो उच्चकुली रतपथनतेन उलारा परापरा अपमादं प्रशंसा पुण्यक्रियासु पंडिता अर्थात आयु आरोग्य कैसा स्वास्थ्य इतनी कितनी, कितनी आयु होगी वर्ण और शरीर का स्वास्थ्य सुंदरता और उच्च कुलीनता और सांसारिक जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके सुख भोग की वह उनकी अधिक से अधिक जो कामना रखते हैं तो उनको अप्रमाद पूर्वक पुण्य कार्य अच्छे कार्य करने चाहिए और कर्म के आधार पर ही चार प्रकार के व्यक्तियों का भगवान ने, बुद्ध ने ए, को बताया है तम परायण पुगल मतलब तमस्तम परायण पुदगल जैसे अंध अंधेरे से अंधेरे में जाए ज्योति परायण पुगल वह तमोतम परायन एकदम निम्न कुल में तो उत्पन्न हुआ गरीब है शरीर से भी ठीक नहीं और उसकी विचार भी ठीक नहीं उसका काय से शरीर से बाणी से और मन से तो अतम तमोतम परायन पुगल और जो तमो ज्योतिपरायण पुगल निम्न कुल गरीब में उत्पन्न होकर के भी या शरीर से भी उसको कठिनाई है रोगी है लेकिन वह यदि अच्छे कार्य करता है शरीर से वाणी से मन से अच्छा चिंतन करता है लोगों का हित चिंतन करता है वह तमो ज्योति परायण पुग्गल जैसे तम से अंधकार से वह उजाला में जाए ज्योति तो परायण पुगल मतलब ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंचन हो जैसे कहा गया असुवरण कलश सुरा भरा साधु निंदय सुग कि ऊँचे कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन उसकी उसके, उसके कार्य अच्छे नहीं हैं तो वह वैसा ही है जैसे स्वर्ण कलश हो सोने का कलश हो और सुरा से भरा हुआ हो उसके सज्जन लोग संत लोग निंदा करते हैं तो वैसे ही वह ज्योति तम पराण पुगल ज्योति से ज्योति से प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला होता है और ज्योति ज्योति परायण पुगल तो वह तो अच्छे कुल में संपन्न कुल में या सुंदर भी होता है और फिर वैसे ही उसका अच्छे कार्य करता है बहुत संक्षेप में इन बातों को मैंने कहा आप लोगों को समय देने के लिए धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी समय का प्रतिबंध है और कार्यक्रम को समय से समाप्त करना है इसलिए मैं वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि 10 से 15 मिनट के बीच में एक संक्षिप्त वक्तव्य देने का कष्ट करें <laughs> <laughs> जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें आप पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्ण अन्य संस्कृत विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्य सत्थुपसत्थ चरणम् शरणं जनानं ब्रह्मादिमौलिमणिरंसि समावहन्तं पङ्केरुहाभिमुदु कोमलचारुवर्णं वन्दामि चक्रवरलक्खणनादधानं सकलजनपसत्थं सभधं परम सब परमरुचि का शब्देकेतु विनय नयन सुंदरम अत्थवादी अरहरह मुदारम नमा संद्रिय सुगत सूनुवरम विशुद्धम यम मतदम सुचि पुण्यखित ताणे सिन शरण मुझित सबरतिम वंदा संग मन शिरसा महागम आज के इस परम पावन जो त्रिगुण पावनी बैसाखी पूर्णिमा के दिन इस आयोजित हो रही सभा के अध्यक्ष दर्शन शास्त्र के प्रकांड विद्वान परम श्रद्धास्पद माननीय कुलपति जी प्रोफेसर वांचुंग दुर्जे नेगी जी मंच पे बैठी हुई सम्माननीय सचिव महोदय डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी बहुत सारे विद्वजन हैं फिर भी गुरुदेव प्रोफेसर दुबे जी प्रोफेसर श्रावक जी भंते जी प्रोफेसर अधिकारी जी प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी प्रोफेसर बिमलेन कुमार जी प्रोफेसर बाबू लाल जी वो टाइटल का ध्यान नहीं आ रहा है क्षमा करेंगे और संभवतः प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी हैं जी और भी मेरे सारे पूज्य श्रद्धे भिक्षुगण मित्रों बाहर से आए हुए अतिथिजन एवं छात्रों समय की प्रतिबद्धता है आज इस बुद्ध जयंती के पावन पर्व में हम लोगों को आहूत किया गया है आज के इस बैसाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा उनका परिनिर्वाण भी हुआ ऐसे त्रिगुण पावनी तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए भगवान बुद्ध के महात्म पर तथा उनके कुछ सिद्धांतों पर हम कम समय में ही अपना वक्तव्य देने का प्रयास करेंगे जैसा कि हम मानते हैं सुनते हैं देखते हैं कि दुनिया में आज तथागत के पूर्व अथवा तथागत भगवान बुद्ध के पश्चात आज तक कोई ऐसा शास्त्र कोई महापुरुष नहीं हुआ जो संपूर्ण मानवता को अपने ज्ञानालोक से धर्मालोक से आलोकित करते हुए और उनका जो उद्देश्य था कि जब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर हो जाए तभी मेरी इस साधना की सफलता है बुद्धत्व की सफलता है और पूर्व जन्म में जो बोध के रूप में उन्होंने उद्योग किया उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया तो उनकी यही भावना रही कि मैं स्वयं में अपने कष्टों को दूर करके क्या मुझे लाभ होगा जब तक कि मैं इस संसार के समस्त प्राणियों का ज प्राणी जगत का जब तक मैं उद्धार न करूं इस दुख से इसी सत्प्रयास से इसी संकल्प से संकल्पित होकर के वो अपने तप में लीन हुए बुद्धत्व को प्राप्त किए तो ऐसा महामानव जो हम लोगों के बीच 45 वर्षों तक चरथ विक्ष वैचारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हिताय सुखाय देव मनुष्य मनुष्य उन्होंने जो भी अपनी शिक्षाएं दी वो अत्यंत ही कल्याणकारक हैं लोक के लिए समाज के लिए तथा विश्व शांति के लिए समय की सीमा है बहुत सारी बातें हैं कि आज जो विश्व में अशांति फैली हुई है तो क्यों तथागत की ओर सभी की दृष्टि है आज विकास हो रहा है दुनिया के सड़क बन रहे हैं हवाई अड्डे बन रहे हैं सारे भौतिक सामग्रियों की सुख सुविधा की होड़ लगी हुई है अत्यंत सुख साधन से जीने के लिए मानव प्रयास में है विज्ञान भी प्रयास में है लेकिन मानव का निर्माण कैसे होगा ये हमारे पेड़ पहाड़ नदी ये जल ये कैसे सुरक्षित रहेंगे कैसे पर्यावरण कैसे जलवायु कैसे वातावरण में शांति होगी जहां अशांति मची हुई है आज यूकेन में रूस का और अमेरिका का और किसका किसका क्या क्या, क्या कहा जाए दखलंदाजी है और कहां तक कब धीरे धीरे उसमें भारत भी चपेट में आएगा तो जहां ऐसी स्थितियां हैं तो ऐसी स्थितियों से व्यक्ति कैसे निजात पाएगा और ये जो दुनिया का संकट है कैसे उसको दूर करेंगे तो हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर ही जाना पड़ेगा हालांकि उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं देखिए सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय किया और भीषण नरसंहार हुआ लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि युद्ध जो है हत्याओं से या नरसंहार से नहीं जीता जा सकता है युद्ध जो है करुणा और प्रेम की भावना से ही मैत्री एवं सद्भावना से ही युद्ध जीते जा सकते हैं और समाज में शांति स्थापित रह सकती है अब मैं समझता हूँ हमेशा से ये चली आ रही है ए, हमारी संस्कृति और बहुत ही विशाल संस्कृति वैदिक भी रही है लेकिन इसके बाद जो भारत का स्वरूप बदला सम्राट अशोक के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया बौद्ध धर्म को से दिया। इसके बाद जो उनके उपदेशों को अनेक भिक्षुओं ने दूर प्रदेशों में देशों में प्रसृत किया उसका ही आज प्रतिफल है कि भारत विश्व गुरु के रूप में भारत शांति दूत के रूप में शांति दीप के रूप में धर्म दीप के रूप में आज पूरी दुनिया में अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित कर रहा है तो यह उनकी शिक्षाओं का शिक्षाओं में चार आर सत्य से लेकर के अष्टांगिक मार्ग से लेकर के और जो आदरणीय गुरुदेव ने कर्मवाद पुनर्जन्म अनित् दुख निर्वाण प्रतीत समुत्पाद ऐसे ऐसे उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनकी शिक्षाओं जो जिसके एक ही सिद्धांत पर संपूर्ण शिक्षा हम लोगों को प्राणियों को सभी को प्राणियों के प्रति सद्भावना बनी रहे मैत्री बनी अरिष्टांगिक मार्ग सब जानते हैं कि यह है जो एकाएनो अयंगमग्गो सत्तान विशुद्धिया शोक परि देवान समतिक कमाए दुख दो मनसानंगमाए यदि जो कहा गया है तो यह एक आरष्टांगिक मार्ग उनका एक ऐसा महत्वपूर्ण सिद्धांत है मध्यम मार्ग जिससे चल करके वो कहते हैं यश ऐता दि इथिया पुरुष स्व सवे एत याने नि ऐसा ये ज्ञान है ये कि कोई भी सत्य गवेशी स्त्री अथवा पुरुष उस यान पर उस रथ पर आरूढ़ हो करके निर्वाण के पास निर्वाण के समीप या निर्वाण की साधना में या राहत को या सभी द्वेष अपने मोह को वो मिटा सकता है तो ये ऐसा है मैं व्याख्या पर जाऊंगा तो बड़ी समस्या है यहाँ थोड़ी देर में चिट पकड़ाई जाएगी तो सम्मा दिठी सम्मा संकपो समा वाचा सम्मा कम तो आजीवो समा व्यामो समा सती सम्मा समाधि एक एक पर्व ही बहुत कुछ आगे तो हम आगे बढ़ते हैं अब हम क्या कहें जो बुद्ध के पहले बुद्धत्व के पहले जो बोधिसत्व थे वो और बोधिसत्व की मैं जब पढ़ता हूँ बोधिचर्यावतार अवतार और ये सब मुझे अत्यंत प्रिय और मनोहारी लगते हैं और एक पथ प्रदर्शक लगते हैं वो यदा मम परेशान चाह भयम दुखम चा, चा न प्रियम तदात्मना को विशेषो हो ये तम रक्षा मिनेत्र ये जो कहते हैं वो कि जब मुझे वही सब सारी चीजें हैं तो फिर मैं क्यों अपनी रक्षा करूं और दूसरे की रक्षा क्यों ना करूं बुद्ध चरित्र में आचार्य अश्वघोष बोलते हैं पदे युवस् न जरा भीर न जन्म वो परमो न चादया तमेव मन्ने पुरुषार्थम उत्तम न विद्यते यत्र पुनः पुनः तो ऐसी दुनिया हो ऐसा पद हो ऐसा जो निर्वाण के रूप में कहा गया है पद्मच्युत मच्चुन असंख्यम मनुत्तरम निर्वाणि भाषंती वान उत्ता महेश तो ऐसा प्राप्त करे अपनी साधना से और वो साधना धीरे-धीरे सील पर, प्रारंभिक तो देखिए सील है वहीं से आपकी ये जो आपका वेश है आपका नीव है वहीं से शुरू होता है जब तक आप सील से परिभूषित नहीं होंगे सील पर आप स्थित नहीं होंगे शीले पति नरो सपयो चित्तंग पयंज भावें तो ये जो सील से फिर सील परिपूर्ण करके समाधि की भावना और समाधि की भावना से फिर जब आप अर्पणा समाधि को प्राप्त कर लेंगे और रूपाओचर गोचर इत्यादि या इत्यादि मार्ग फल इत्यादि का के सभी की भावना कर लेंगे तब इसके बाद फिर प्रज्ञा की बात आती है फिर प्रज्ञा में भी प्रज्ञा में भी जब विपसना प्रज्ञा की बात आती है तो वो बहुत ही कठिन है और आगे उसका बहुत ही विशुद्ध मग् में बहुत ही व्यापक रूप से वो किया गया है दृष्टान्त दिया गया है व्याख्यान किया गया है जो यहाँ कह नहीं सकते सिर्फ एक बात मुझे कहनी थी गुरुजी ने कहा गुरुदेव ने फिर भी भगवान बुद्ध के कर्मवाद के बिना जो कर्मवाद का सिद्धांत है वो अपने आप में अनुपम है व्यवहारिक है अत्यंत तो व्यापक है वह क्यों व्यापक है क्योंकि वही सारे जीवन का आपका जो आपकी जीवन यापन की जो क्रिया है वही निर्धारित करता है आप कैसे कर्म करेंगे यारिसंग वफते बीजंग तारीसंग हरते फलंग जैसे आप बीज बोएंगे तो कैसे और आपने भी कहा कम अस का सत्ता कम दयादा कम योनी कम बंधु कम पट जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा था कि बहुत अत अत्य शरणा है शरणा भिच्छुओ आप अपने पथ प्रदर्शक स्वयं बनो आप अपने सहारा स्वयं बनो अपना आश्रय स्वयं बनाओ न कि दूसरे के अनय शरणा न कि दूसरे के सहारे रहो माने स्वलंबी बनने की जो प्रेरणा भगवान बुद्ध देते हैं तो वही कर्म ही आप कर्म से ही मेरा जन्म हुआ है कर्म ही बंधु है कर्म ही मेरा प्रतिरक्षक है इत्यादि अभी है समय सर्व और आगे चले कि क्या है हाँ तो अब जब इस तरह की बात आती है तो फिर यहाँ पर ए, ये कर्मवाद बुद्ध का कर्म का सिद्धांत और वो उसी में पुनर्जन्म जुड़ा हुआ है कि यह जो नाम रूप है जो प्रथम नाम रूप रहता है और जब आप चुति चित्त के बाद और मरणांतर जब नया नाम रूप होता है तो प्रथम नाम रूप से ही जुड़ा होता है क्योंकि आप जैसे हम आप अपने जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे जैसे शुभ कर्म करेंगे तो आप अच्छे कुल में उत्पन्न होंगे अच्छे कर्म करेंगे तो आप पुण्य के भागी होंगे और दुष्कर्म करेंगे बुरे कर्म करेंगे तो आप उसके पाप के भागी होंगे तो ये जो कहा गया कम ना उत्तर लोग को कम नजा कम निबंधना सत्ता रथत आड़ी यह जो संसार है यह कर्म से ही चल रहा है और कर्म ही उसका कर्म से ही ये लोग चलता है और कर्म जो है वह है प्रधान है अब मैं उधर नहीं जाता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा तो ये बात वही है बात कोई दूसरी नहीं है तो हमें अपने कर्म पर तो ये जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है भगवान बुद्ध का सिद्धांत है वो सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है उनकी सारी शिक्षाएं जो मूल में शील समाधि प्रज्ञा ही है बहुत सारे सिद्धांत हैं जो अनित्य अनात्म दुख है उसका मतलब वही है कुल सिर्फ उसका जो एक निचोड़ है कि आप जो ये ममकार है जो मैं के प्रति मैं कर रहा हूँ अधिकारी जी ज़्यादा बोलते हैं और गीता वगैरह अहंकार विमूढ़ आत्मा तो वो ए, ए, करता हम इति मनते तो वो जो बात है कि ये सब प्रकृति से होता है ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा ही हम अपना कर्म करते हैं लेकिन जो अहंकारी है और जो विमूढ़ है वो, वो मूर्ख है वो कहता है कि नहीं 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 मैंने ये सब किया ये बिल्डिंग मैंने बनवाई है पूरा संसार मुझे से चल रहा है असारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ असारा मैं कुछ सर्व कुछ हूँ सर्वनियंता मैं ही हूँ तो जो बात है कहने का मतलब कि ये जो कर्म का सिद्धांत है ये अगर आप क्योंकि ये बुद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये संसार ही प्रकृति से निर्मित है और प्रकृति देवी से हम सब लोग यह सारी दुनिया उत्पन्न हुई है तो प्रकृति देवी यह प्रकृति देवी से ही मानव का निर्माण हुआ है तो जो यही चार जो अपने महाभूत है उन महाभूतों से ही तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इन महाभूतों की इन जितने भी हमारे घटक हैं जीवन तत्व हैं जो प्राण हैं जो प्राण वायु हैं हम इनको कैसे संरक्षित करें बुद्ध के संदेशों में हर जगह पर्यावरण का संदेश है क्योंकि भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे ही पैदा हुए पेड़ के नीचे ही उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और वहीं उनका पर निर्वाण हुआ तो यही मैं बात अन्य अंत में एक गाथा और कह कर करके और अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उन्होंने जो कहा है कि ये केचित दुखितालों के चित दुखितालो के सर्वे थे स्वसुखे जो कोई दुखित हैं वो सभी अपने सुख के कारण दुखित हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी हो गया घोड़ा हो गया बंगला हो गया इसके बाद अब बनारस में मकान हो गया तो अब दिल्ली में भी हो तो बॉम्बे में भी हो तो फिर लंदन में भी हो तो फिर अमेरिका में भी हो तो वो इसी परेशानी में इसी उधेड़ बुन में इसी तृष्णा से वो भयभीत हो करके और उसमें तृष्णा से अभिभूत तो हो करके मानव दुनिया का दुष्कर्म करता है और बुरे कर्म करता है परिश्रम करता नहीं है तो भगवान बुद्ध ने जो कर्म का सिद्धांत वो किया है और जो समय का आजीव का बतलाई है उसी के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी धन्यवाद गुरु जी अब अगले अवता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर लाल जी श्रावक आप पूर्व अध्यक्ष पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबु पूज्य भिक्षु संघ केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान के कुलपति प्रोफेसर वांगछुक दोरजे नेगी जी जो इस बुद्ध जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी उपस्थित विद्वत वृंद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आप सभी लोगों को विदित है कि आज की यह तिथि त्रिगुण पावनी कही जाती है ये त्रिगुण पावनी इस अर्थ में कि भगवान बुद्ध का लुम्बिनी वन में जन्म इसी दिन हुआ था बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति इसी तिथि यानि कि वैशाख पूर्णिमा को हुआ और उनका परिनिर्वाण भी इसी तिथि को कुशीनगर के दो साल वृक्षों के बीच में हुआ था ये सामान्य घटनाएं हर कोई के जीवन में तो घटित होती रहती हैं तो फिर बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में तो इसे हम इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं महत्वपूर्ण हम इसलिए मानते हैं कि बुद्धों का उत्पाद बड़ा दुर्लभ है और जब दुर्लभ जो चीज़ हमें मिलती है तो महत्वपूर्ण होती है तो इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध कभी कभी पैदा होते हैं आ, उनका उत्पाद अत्यंत दुर्लभ है तो इसलिए यह तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध को उनके पिता की तरफ से हम कह सकते हैं कि उस समय एयर कंडीशनल, एयर कंडीशनड महल मिले थे जिसमें वो रह रहे थे तीनों ऋतुओं के लिए अलग अलग महल थे कोई कष्ट नहीं था उनको पर जब वो घूमने निकलते हैं और चार निमित्त देखते हैं वैसे भी हम देखते हैं कि जो भी उन्होंने निमित्त देखा एक वृद्ध व्यक्ति को देखा रोगी को देखा मृतक को देखा सन्यासी को देखा प्राय हम देखते रहते हैं लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है कि कोई क्लिक कर जाता जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई क्लिक कर गई घटना जैसे आम गिरते हुए सेब गिरते हुए तो सब लोग देखते हैं पर न्यूटन ने ही क्यों सोचा कि क्यों नीचे गिर रहा है खाना बनाते समय ढक्कन की ढक की आवाज़ बहुत लोग सुनते हैं पर जेम्स वाट ने ही क्यों सोचा कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है तो कभी कभी कोई बात क्लिक करती होगी बुद्ध आ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी वृद्ध को पहले नहीं देखा होगा उनके दादाजी रहे होंगे नाना जी रहे होंगे जरूर देखा होगा तो उन्होंने जो चार निमित्त देखा जिसमें से तीन निमित्त उनको ये दिखलाते हैं कि संसार में दुख है और चौथा निमित्त जब उन्होंने देखा सन्यासी को तो ये क्यों सन्यासी बना है ये इस दुख से मुक्ति के लिए संसार से मुक्ति के लिए सन्यासी बना है तो उनको लगा कि ये दुख है तो इसकी मुक्ति भी संभव है इसलिए ये जो चौथी घटना थी उन्हें महाअभिनिष्क्रमण के लिए प्रेरित किया और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि छः वर्षों की कठोर तपस्या के बाद बोधगया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की वह ज्ञान क्या था प्रतित्य समुत्पाद का ज्ञान कारणता का सिद्धांत बुद्ध जिस युग में पैदा हुए थे उस समय तमाम परिकल्पनाएं अनेक मतवाद थे परिकल्पनाएं थी मिथ्या दृष्टियां थी लोग उसी में आमग्न था मिथ्या दृष्टियों में उस समय बुद्ध को यह ज्ञान जो प्राप्त हुआ कारणता का ज्ञान जिसको प्राप्त करने के बाद घर तो छोड़े थे वो कि हम संसार को दुख मुक्त करेंगे पर जब वो ज्ञान मिला तो वे अनमनस्क हो गए कि ऐसा ज्ञान ये लोग कैसे समझ पाएंगे जो तृष्णा में लगे हुए हैं आलय रम हैं उसमें रमणी रमण कर रहे हैं तो ये लोग समझेंगे कैसे इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इसको उपदेश ही नहीं देंगे जैसा कि सब लोग जानते हैं इस बात को फिर जैसा कहा जाता है कि सहमपति ब्रह्मा के कहने पे उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है अच्छा हम उपदेश करेंगे तो वह धर्म जो उनको मिला था कारणता का सिद्धांत उसको बुद्ध स्वयं कहते हैं कि अधिगतो खो म्या धम्मो गंभीरो दुर्दसो दुरुबोधो संतोपणीतो अतक्कावचरो पंडित वेदनी तो ये जो दुर्दृश्य है दुरनुबोध है सामान्य जन इसको समझ नहीं पाएंगे ये सोच करके जो उपदेश वो देना नहीं चाहते थे उस उपदेश को फिर देने के लिए तैयार हो गए तो इसलिए ये जो दूसरी घटना थी महा ये जो ज्ञान प्राप्ति की वो हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि वहीं जो उनको ज्ञान मिला उससे भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक इस जम्बू में घूम घूमकर लोक लोग कल्याण करते रहे और उसके बाद भी कल्याण होता रहा है तीसरी घटना महापरिनिर्वाण की है बहुत लोग मरते हैं परंतु जैसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ उस समय भूकंप भुकम, महाभूकंप हुआ पृथ्वी कंपित हुई एक युग सृष्ट युग दृष्टा चला गया तो इस दृष्टि से यह तीसरी घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण थी ये तीन त्रिविद त्रिविध विध पावनी जो तिथि है ये महत्वपूर्ण तो है ही है यह स्थान इस स्थान से मतलब है पतन मृगदाय जिसको हम आजारनाथ कहते हैं यह स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है और बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही प्रमुख घटना से जुड़ा है जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं तो बुद्ध जो ज्ञान प्राप्त किए जिसको देना नहीं चाहते थे किसी को क्योंकि ये बड़ा दुर्दृश्य है दुरुबोध है उसे देने के लिए वो सोचने लगे कि मैं किसको दूं, कैसे समझेगा कोई तो उन्होंने सोचा कि आलार कालाम ने मेरा बड़ा उपकार किया था मैं उनको यह उपदेश दूं। पता चला कि एक हफ्ता पहले उन दिवंगत हो चुके हैं फिर उन्होंने सोचा उद्धक रामपुत्र को दूँ वो भी पिछली रात को चले गए तब उन्होंने सोचा कि वे पांच साथी जो हमारे साथ हमारी बड़ी सेवा करते थे जब हम तपस्या कर रहे थे वे उन्हें पथ भ्रष्ट समझकर छोड़ के चले आए थे तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने बड़ा उपकार किया है मैं उन्हीं को उपदेश दूँ तो वे बोध गया से चल करके सारनाथ आते हैं बहुत से विद्वान कहते हैं कि चूंकि वाराणसी बहुत शिक्षा का केंद्र था और बड़े विद्वान रहते थे इसलिए बुद्ध अपनी द्वारा पाए हुए सिद्धांत को ज्ञान को यहाँ आकर शास्त्रार्थ करना चाहते थे मैं इसको नहीं मानता क्योंकि तो बुद्ध उस शास्त्रार्थ की दृष्टि से आते तो वाराणसी जाते वो वाराणसी गए ही नहीं सीधे ऋषिपतन मृगदाय में आ गए और यहाँ आए उन्होंने तो जो ज्ञान मिला था प्रतीित समुत्पाद का विदपच्चयता का उसका उपदेश उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया उन्होंने उस ज्ञान को उस ज्ञान का थोड़ा सरलीकरण किया उन्हें चार आर्य सत्य में बदल करके वही चीज़ उन्होंने चार आर्य सत्य के रूप में यहाँ प्रबोधित किया वो जानते थे कि ये चूंकि ज्ञान बड़ा ही गंभीर है सब लोग नहीं समझ सकते ये पांच भिक्षु जो हमारे साथ थे मान लीजिए इनको हम समझा देते हैं लेकिन इनके बाद भी तो जो जनता होगी उसको समझाना मुश्किल होगा इसलिए उन्होंने हमें लगता है कि लोक कल्याण के लिए चूँकि ये बुद्ध की करुणा ही थी जिसके लिए वे जाने जाते हैं लोक कल्याण के लिए कि लोग सामान्य रूप से समझ सकें तो उन्होंने चार आर्य सत्य का यहाँ उपदेश दिया उस चार सत्य में भी उन्होंने पहले निर्वाण को ही नहीं बताया दुख को पहले बताया और अगर हम देखें इसमें दुख को पहले क्यों बताया क्योंकि दुख को बड़ा आसानी से लोग समझ जाते हैं किसी को दुखी देख के हम समझ जाते हैं कि ये दुखी है तो दुख को ही पहले क्यों बताया जो उनको चार निमित्त दिखे थे उसमें तीन निमित्त में उन्होंने दुख ही देखा था तो जब यहां दुख की व्याख्या करते हैं तो उसमें वही ती, तीन निमित्तों की गणना उसी रूप में करते हैं कि जरा भी दुख हो व्याधि और मरण तीन जो निमित्त देखे थे उन्होंने इन तीन निमित्त को यहाँ ज्ञापित किया ये तीन निमित्त के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो सब लोग समझ जाते हैं उसके बाद भी कि हमारा कोई जो प्रिय है उससे जब हम वियुक्त हो जाते हैं कोई वियोग होता है तो मुझे दुख होता है कोई अप्रिय अगर मिल गया तो उससे दुख होता है और जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो दुख होता है तो उन्होंने तृष्णा इसके माध्यम से तृष्णा को यहां पे व्याकृत किया फिर उन्होंने कहा कि संक्षेप में ये पंच उपादान स्कंद ही दुख है क्योंकि उनको बताना था कि यहां जन्म लेना ही दुख है तो पंच उपादान स्कंद ये सारे दुख क्यों होते हैं इसका भी कारण क्या है जन्म लेना दुख है यहाँ भी बुद्ध ने कार्य कारणता का सिद्धांत ही ज्ञापित किया है कि अगर जन्म नहीं होता तो वृद्धावस्था नहीं होती रोग नहीं होते मरण नहीं होता तो इसका कारण जन्म है तो यहाँ भी उन्होंने प्रतीत समुत्पाद का जो कारणता का सिद्धांत है कि इसके होने पर यह होता है इसके न होने पर यह नहीं होता है इसके निरुद्ध होने पर यह निरुद्ध हो जाता है तो उसी बात को यहाँ पे भी उन्होंने दिखलाया है कि अगर जाति नहीं होती तो ये सब घटनाएँ ये सब दुख नहीं होता तो उन्होंने जाति को सबसे पहले दुख के रूप में सम्मिलित कर लिया इसके बाद जो चौथा निमित्त उन्होंने देखा था कि सन्यास लिया है दुख से मुक्ति के लिए इस आवागमन से मुक्ति के लिए या कहें कि मुक्त हो जाने के लिए तो दुख से मुक्ति क्या होगा दुख का निरोध हो जाए तो वही दुख मुक्ति है तो उन्होंने बताया कि दुख निरोध होता है दुख निरोध कैसे होगा उसके लिए उन्होंने मार्ग का निर्देश किया दुख क्यों होता है उसके लिए उन्होंने तृष्णा को बताया यहाँ भी उन्होंने फिर कार्य कारण के ही सिद्धांत को बतला रहे हैं कि अगर तृष्णा होगी तो दुख होगा तृष्णा नहीं होगी तो दुख नहीं होगा यह कार्य कारण का सिद्धांत संसार में प्रवृत्ति की ओर ले जाता है और दूसरा कार्य कारण का सिद्धांत था कि अगर मार्ग का सेवन करेंगे तो निर्वाण को प्राप्त करेंगे अगर मार्ग नहीं सेवन करेंगे मार्ग का पे नहीं चलेंगे तो निर्माण नहीं प्राप्त कर सकते तो यहां भी एक तरह से कार्य कारण के कार ही सिद्धांत को बुद्ध प्रस्थापित कर रहे हैं तो इस प्रकार बुद्ध ने जो भी संसार से ज्ञान प्राप्त किया था और फिर अपने गवेषणा करके जो ज्ञान प्राप्त किया इन दोनों को यानी कि जो कपिल वस्तु में जो उनको चार निमित्त दिखे थे और महा बोध गया में जो उन्होंने प्रतीत समुत्पाद को प्राप्त किया था इन दोनों का कंबाइंड रूप उन्होंने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश के रूप में दिया इस प्रकार यह स्थान उस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें बुद्ध ने अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान का सरलीकरण करके ज्ञान दिया अपने पांच भिक्षुओं को और वहाँ ये पांचों भिक्षु जब ज्ञान प्राप्त होते हैं करते हैं वहाँ भी उन्होंने वही बात की यम समुदाय धम्म तम सम निरुद्ध तो जो समुदाय धम्म है वह निरुद्ध होने वाला यहाँ भी एक तरह से कार्य कारण ही है कि जो सम उत्पन्न होगा तो निरुद्ध भी होगा जो उत्पन्न ही नहीं होगा तो निरुद्ध की बात ही नहीं होगी तो इस प्रकार यह त्रिगुण पावनी तिथि और यह स्थान हम बौद्धों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ धन्यवाद गुरुजी। अगले वक्ता के रूप में मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएँ और अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं पाली एवं थेरवाद विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के धन्यवाद रवि जी ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च बुद्धा अहंग बंदा सब्बदा पूज्य भिक्षु संघ इस सभा में उपस्थित इस संस्थान के माननीय कुलपति जी रजिस्टार मोदिया और विभिन्न विशेषकर संपुन, आनंद संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय से आए हुए हाँ आचार्य गण एवं उपासक उपासिकाएं हम लोगों ने पहले अपने गुरुवर दुबे सर को सुना उन्होंने विस्तार से बुद्ध के कर्म को बतलाया कम प्रधान है जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे अच्छा बोएंगे अच्छा पाएंगे बुरा बोएंगे, बुरा पाएंगे फिर हर प्रसाद दीक्षित सर ने बहुत विस्तार से लगभग संक्षेप में बुद्ध के हर पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास किया और श्रावक जी ने बुद्ध की जीवनी पर अपना संक्षिप्त परिचय दिया हम कुछ व्यवहार की बातें करते हैं हम परेशान होते हैं हम दुखी होते हैं हम अशांत होते हैं और इसी अशांति से शांत की ओर जाने के लिए दुख से सुख की ओर जाने के लिए भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक गांव गांव नगर नगर जनपद जनपद घूम घूम कर लोगों को उपदेश करते रहे उनके संपर्क में जो आए चाहे वह धनी आया हो चाहे वह निर्धन आया हो चाहे वह महिला आई हो चाहे वह पुरुष आया हो चाहे वह भिक्षु आया हो चाहे वह गृहस्थ आया हो जैसा व्यक्ति वैसा उन्होंने उपदेश किया उनका मूल उद्देश्य यह था कि उसका जो दुख है उसका जो कष्ट है उसकी जो समस्या है उसका निदान हो। वो उसके पास केवल सुनने के लिए नहीं आया तो इसलिए उन्होंने उपमाओं का सहारा ला लिया जैसा व्यक्ति वैसा उपदेश ताकि जो वो बोले वो उसके दिल को छू जाए और दिल को जब छू जाएगा तब वो आचरण करने लगेगा और उसका कल्याण हो जाएगा बुद्ध का उपदेश केवल बोलने के लिए नहीं है हम लोग पंच शिक्षा पद कहते हैं पनाति पाता वीरमनी सिक्खा पदंग समाधिया में हर कार्यक्रम में जाते हैं कहते हैं हिंसा नहीं करनी चाहिए ये उपदेश देते हैं लेकिन उसके पीछे पहले हमें हिंसा से विरत रहना चाहिए तब तो उसका प्रभाव पड़ेगा बुद्ध अहिंसक थे इसलिए समाज पर उनका प्रभाव पड़ा और समाज भी अहिंसक हुआ झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मूसा वादा वेरमणि सिक्खा कोई अचित नहीं है यह बुद्ध ने कहने के लिए नहीं कहा था तुम ये बोलो कि हिंसा नहीं करना चाहिए चोरी नहीं करना चाहिए भय विचार नहीं करना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए नशा नहीं करना चाहिए ये केवल कहने के लिए नहीं कहा एक कहानी हमने बचपन में सुना था कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा तुम उसमें फंसना नहीं हम वही कह रहे हैं घूम घूम कर बुद्ध के वचनों को बता रहे हैं लेकिन खुद अपने जीवन में नहीं उतार रहे। उसका कोई फल नहीं मिलेगा हमें तो नहीं ही मिलेगा लेकिन जिसको हम बता रहे हैं उसको भी नहीं मिलेगा चूंकि हम ही वो नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव वहां तक कहां जाएगा पहले उसे अपने जीवन में आचरित करना होगा इसलिए बुद्ध ने कहा यथा ही एक चक्केन रथस न जायते गति एवं पटपत्ति विकलंग पटत्ती न सिती एक चक्का से गाड़ी नहीं चलती गाड़ी चलने के लिए दोनों चक्का चाहिए उसी तरह से केवल बुद्ध वचन को बोलने से हमारा काम नहीं चलेगा उसको जीवन में आचरित करना पड़ेगा उसे जीवन में अपनाना पड़ेगा कोई जरूरी नहीं है बुद्ध के सारे नियमों को हम अपने जीवन में उतारे अगर बुद्ध का जो एक सिद्धांत है मूसावाद वादावेर मणि शिक्षापन अगर इसी को अगर जीवन में आचरित कर दें तो हमारा कल्याण हो जाएगा हमारा मंगल हो जाएगा और हम दुख से बहुत हद तक सुख की ओर हम प्रवृत्त हो जाएंगे सुख की ओर हम पहुंच जाएंगे इसके लिए हमें प्रयास करना होगा और वह प्रयास जो है जैसा कि अष्टांगिक मार्ग बताया गया है तो अष्टांगिक मार्ग पर हमें चलना होगा धीरे धीरे ही चलना होगा लेकिन चलते 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 हम एक दिन अवश्य पहुंच जाएंगे इसलिए बुद्ध ने कहा तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागता तथागत तो केवल उपदेशक के वो तो केवल मार्ग देशक के मार्ग बतलाएंगे चलना तुम्हें ही पड़ेगा जितना हद तक चलोगे जितना दूर तक चलोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा कहें सहसंग पी पियंग दुखंग पी सहसंग अगर तुमने हजार तृष्णाएँ पाल रखी है तो दुख भी हजार है सतंग पी पियंग दुखंग पी सतंग अगर सौ तृष्णा आपने रखा है तो दुख भी सब है एक अंग पियंग दुखंग पी एक में हो। अगर एक प्रिय है तो दुख भी एक है नथ्थी पियंग दुखंग पिनी अगर प्रिय नहीं तो दुख नहीं जन्म तो कोई अशांत तो नहीं होता बच्चा तो मस्त रहता है जब पैदा रहता है तो उसके पास कोई राग द्वेष नहीं रहता है लेकिन जो जो हम बड़ा होते हैं तो राग का द्वेष का मोह का अहंकार का ईर्ष्या का हमने जाल बुन लेते हैं अब इन जालों से हमें मुक्त होना है हम राग से अपने से ही पहले राग करते हैं दूसरे से द्वेष करते हैं जब हम अपने के राग से अद्वेष से अहंकार सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है जैसा कि दीक्षित न ममकार जो है यह मेरा है यह मेरा है यह मेरा घर है यह मेरा पुत्र है लेकिन यह नहीं जान रहे हैं कि हमारा तो अनंत जीवन है अनंत जन्मों तक हमने जन्म लिया है कई जन्मों तक बुद्ध का जो प्रथम जो उदान है अनेक जाति संसार विसंग जन्मों तक मैं भटकता रहा इस संसार में भटकता रहा अनेक जन्मों तक आता रहा और दुख में भोगता रहा तो यह हमारा ऐसा नहीं है कि यह प्रथम जन्म है और ऐसा भी नहीं है कि यह हमारा अंतिम जन्म है तो जब तक हम हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अहंकार को पहले हम त्याग दें हम श्रेष्ठ हैं यह तो सापेक्ष टर्म है सब कहाँ से, से? सापेक्ष टर्म है सर्वोत्तम तो कोई हो नहीं सकता है सर्वोत्तम तो बुद्ध ही है जो युग पुरुष है युग युगों में कोई बुद्ध पैदा लेता है तो हम बड़े हैं हम श्रेष्ठ हैं हमारे पास हज दस मकान है हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं इसका हाल तो अब देख ही रहे हैं कि योगी जी ने जो कर रखा है तो अंत में वह दुख ही देता है खाने के लिए दो रोटी चाहिए रहने के लिए एक मकान चाहिए और क्या चाहिए लेकिन हमने तृष्णाओं को पाल रखा अपने तक भी वो सीमित नहीं है अपने बच्चों तक देखते हैं क्या पता नहीं क्या देखते हैं और क्यों देखते हैं उसके क्या इसलिए दान परमिता पहला है अगर आपसे अधिक अगर होता है तो उसे दान करे निर्धनों में बांटे भिक्षुओं में बांटे संतों में बांटे ताकि वह धम का प्रचार कर सके बुद्ध धम इस धरती से चला गया इसके पीछे कारण है बुद्ध ने जब उपदेश देना शुरू किया तो आम जनता की बोली में किया सकाय नृतिया बुद्ध वचनंग पर्यापण यानी अपनी अपनी बोली में सीखने का उन्होंने निर्देश दिया या बेली तेकुल ने आया तो उसने कहा कि संस्कृत में उपदेश करे उस समय छांदस कहा जाता था बुद्ध ने उसको डांटा और कहा कि अपनी अपनी बोली में बुद्ध क्योंकि बुद्ध वो केवल बोलने के लिए नहीं है जब तक उसके दिल को नहीं छुएगा जब तक उसके मर्म को नहीं समझेगा जब तक वह हृदय स्पर्शी नहीं होगा तब तक उसका पालन नहीं करेगा और जब वो पालन नहीं करेगा तो कल्याण कैसे होगा इसलिए बुद्ध के संपर्क में जो भी आया उसके उनके संपर्क में बिंबिसार आए उसके संपर्क में शत्रु आया उसके उनके संपर्क में जो भी राजा थे परसेंट जीत आया सभी नतमस्तक हुए उन्होंने उनका भी कल्याण किया देवदत्त का भी कल्याण किया सुनित भंगी का भी कल्याण किया अंगुलीमाल डाकू का भी कल्याण किया और जो भी संपर्क में आया उन्होंने कभी ऊंच नीच नहीं देखा सब लोगों के पास सब लोगों के साथ उनके साथ एक ही करुणा बरसी समान रूप से बरसी इतनी बरसी कि भारत उस समय बुद्धमय हो गया धममय हो गया संगमय हो गया भौतू सम धन्यवाद गुरुजी अब अगले क्रम में मैं प्रोफेसर विमलनंद कुमार जिसे निवेदन करूंगा कि वे आए और अपना उद्बोधन दें आप पूर्व अध्यक्ष पाली एवं बहुत अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं नंबुधाय परम श्रद्धेय प्रोफेसर वांशुक दुरजे नेगी जी कुलपति केंद्रीय उच्च उच्चतिप्ति संस्थान सारनाथ मंच पर आसीन कुलसचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी श्रद्धे भिक्षु महासंघ और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी विद्वत जन ये परम हर्ष का विषय है कि आज हम पच्चीस सौ सड़सठवीं बुद्ध जयंती इस केंद्रीय तृप्ति उच्च तृप्ति संस्थान के प्रांगण में मना रहे हैं जैसा कि जानते हैं कि बौद्ध धर्म जीवन दर्शन और विधा के रूप में जाना जाता है जीवन दर्शन के रूप में हम यह जानते हैं कि दुख है और दुख का निवारण भी है और विधा के द्वारा हम यह जानते हैं कि किस प्रकार से हम दुख निरोध के उपाय के द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं भगवान बुद्ध के मूल जो तत्व हैं शिक्षा का भगवान बुद्ध भी कहते हैं भिक्ख में देश में दुखम चाह दुख निरोधम कि मैं केवल दो बातों की देशना करता हूं दुख है और दुख निरोध है और इन दोनों के मध्य में उन्होंने एक मध्यम प्रतिपदा का मार्ग प्रतिपादन किया जिसको हम लोग आर्ज अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं प्रतिपता के रूप में भी हम लोग जानते हैं और इस यदि मध्यम प्रतिपता का मूल हम देखें तो किस प्रकार से जो हमारा भगवान बुद्ध का जो मूल सार जो धर्म का देखा जाता है कि किस प्रकार से निर्वाण को हम प्राप्त करें और निर्वाण प्राप्ति के लिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रति संपाद के सिद्धांत को उन्होंने बताया और प्रत्येक समुत्पाद का सिद्धांत कार्य कारण का सिद्धांत है इसके द्वारा हम जानते हैं कि देर इज नो अल गॉड देर इज नो क्रिएटर एवरी थिंग इज डिपेंडेंट ऑन कॉज एंड कंडीशन द थिंग्स विच आर कमिंग इन टू इन डे टू डे लाइफ विच आर बेस्ट अपॉन एंड प्रचय दैट इज कॉज एंड कंडीशंस मध्यम निकाय में भी कहा जाता है कि मस्विम सती इदम होती इमस्विम वसती इदम न होती इमस उपादा इदम उपजती इमस निरोधा इदम निरुजती ये कारण के सिद्धांत को मध्यम निकाय में भी बतलाया गया है आचार्य नागार्जुन ने भी मध्यम कारिका में प्रतिपाद प्रतिपाद के सिद्धांत को उन्होंने शून्यता के रूप में प्रदर्शित किया है और शून्यता के रूप में प्रदर्शित करने के पहले उन्होंने प्रतिस्मतपाद के तीन आस्पेक्ट को बतलाया है कि प्रतिस्म के अंदर हमारे इदम प्रत्ययता निस्वभावता और परस्पर आश्रयता ये तीन आस्पेक्ट हमारे जो है प्रतिस्म के सिद्धांत में पाए जाते हैं इदम प्रतियता के कारण हम जानते हैं कि सभी घटनाएं जो हमारे जीवन में घट रही हैं वह हेतु और प्रत्यय पर ही आधारित होकर घटित हो रही हैं और निस्वभावता के कारण हम जानते हैं कि ऑल मेंटल एंड नॉन मेंटल थिंग्स आर डिवाइड ऑफ एनी एसेंस कोई इसमें स्वभाव नहीं है और खासकर जो प्रति समुत्पाद पाद को समझने के लिए आचार्य नागार्जुन ने है कि परस्पर आश्रयता परस्पर आश्रयता को समझने के लिए उन्होंने चार एस्पेक्ट दिए हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस को एग्जिस्टेंस कोऑपरेशन को इन्जॉयमेंट चार एस्पेक्ट परस्पर आश्रयता जो कि हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घट गट रही है यह इस पर आधारित होकर घट रही है एवरीथिंग इज म्यूचुअली को रिलेटेड विथ ईच अदर एक दूसरे पर आश्रित है और एक दूसरे पर निर्धारित भी है कोई भी घटनाएं घट रही है वो हेतु और प्रत्यय पर ही आधारित होकर घट रही है और एक दूसरे से दे आर रिलेटेड हेतु और प्रत्यय पर आधारित होकर एक दूसरे से जुड़ी हुई भी है दे आर कौजली कंडीशन ऑल्सो एंड दे आर कौजली रिलेटेड विथ ईच अदर ऑल्सो ये चार एस्पेक्ट जो हमारे जो बतलाए गए हैं कि मिचुअल डिपेंडेंस को एक्सिस्टेंस कोऑपरेशन और को इन्जॉयमेंट ये चारों चीज हमारे जीवन में जो मानवतावाद प्रकृति और वातावरण ये तीनों तीन घटनाएं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन घट रही हैं ये जो मानव शरीर है जो प्रकृति है और जो वातावरण है ये दे आर इक्वली परस्पर आश्रयता दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर कोई भी घटनाएं घट गट रही है मानव से संबंधित या प्रकृति से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित सभी यह हेतु और प्रत्यय पर आधारित होकर और एक दूसरे से दे आर कौजरी रिलेटेड विथ ईच अदर और इसी पर आधारित होकर सारी घटनाएं घट गट रही है और इसी प्रति सब सिद्धांत को उन्होंने शून्यता के रूप में दर्शाया है आचार्य नागार्जुन ने इसको विस्तार से समझाया है और किस प्रकार से वो बतलाते हैं कि प्रतिशत शून्यता का रूप वहाँ पर है और आचार्य किस प्रकार से यहाँ पर नागार्जुन बतलाते हैं कि इस प्रतिशत को समझने के लिए मानव को किस प्रकार से चित्त को विशुद्ध करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने आचरण को करना चाहिए इसके बारे में आचार्य शांति देव अवतार में बोधिचित्त उत्पाद की बात करते हैं और बोधिचित्त के बारे में बतलाते हैं कि बोधिचित्त ही सभी धर्मों का मूल मंत्र है और बीज भी है बोधिचित्त को एक तरह से कहा जाता है कि यह एक तरह से प्रभास्वर है और निर्मल भी है अंगुतर निकाय में भी चित्त की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि प्रकृति अभस्तम चित्तम तमचले से ही उपकिलित यह प्रकृति से यह हमारा चित्त जो है एक तरह से निर्मल है प्रभास्वर है महायान सूत्रालंकार में भी इस चित्त की परिभाषा देते हुए भी कहा गया है कि प्रकृति है प्रकृति से हमारा जो चित्त है वह प्रभास्वर है और यह निर्मल है यह हमारे आए हुए आगंतुक उपकिलोसों से उपकलसित होता है और यह क्लेश वे धर्म हैं जो चित्त को गंदा करते हैं और चित्त को राग द्वेष मोह आदि से एक तरह से युक्त करते हैं संपन्न करते हैं और इसके निवारण के लिए उन्होंने उपाय बतलाया है कि किस प्रकार से हम इस क्लेशों को दूर किया जाए और इसके लिए आचार शांति देव दो प्रकार के परिधान की बात करते हैं और दो बतलाते हैं कि बोधिचित्त उत्पाद के लिए दो प्रकार के हमारे हैं जिसमें कि प्रस्थान अल्टीमेट बोधिचित्त और कन्वेंशनल बोधिचित्त परमार्थ बोधिचित्त और समृद्धि बोधिचित्त परमार्थ बोधिचित्त के कारण एक व्यक्ति यह समझ पाता है कि सभी संस्कार अनित्य है सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म है और समृद्धि सत्य के द्वारा समृद्धि सत्य के बोधिचित्त के द्वारा ये व्यक्ति जान पाता है और वह इंस्पायर करता है बुधत्व प्राप्त करने के लिए और उस बुधत्व प्राप्त करने के लिए वह करुणा का उपाय करता है और इस करुणा के उपाय के लिए वो जत्न करता है आचार्य शांति देव कहते हैं कि यह हमारा जो बोधिचित्त है जो परमार्थ बोधिचित्त और समृति बोधिचित्त दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक के बिना दूसरा कोई नहीं किया जाता है और परमार्थ बोधिचित्त के द्वारा हम शून्यता का साक्षात्कार करते हैं जब हम यह जानते हैं कि सभी संस्कार अनित्य है सभी संस्कार दुख में है और सभी धर्म अनात्म है तब हमें शून्यता का ज्ञान होता है और जब हम एस्पायर कर रहे हैं जब हम प्रणिधान कर रहे हैं कि हम बुद्धत्व को प्राप्त कर रहे हैं और उसके उपाय के लिए हम कोरना आदि कुशल धर्मों का उत्पाद करते हैं जब उसका पालन करते हैं तब यह एक तरह से समृद्धि बोधिचित्त के रूप में आता है और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दोनों एक बाद में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से महायान के ग्रंथों में प्रज्ञा और उपाय के रूप में दर्शाया गया है और बोधिचित्त को एक तरह से शुद्ध करने के लिए कहा जाता है कि किस प्रकार से बोधिचित्त को शुद्ध करने के लिए हम प्रज्ञा और उपाय की बात करते हैं और इसलिए महायान के शास्त्रों में हम प्रज्ञा उपाय के रूप में पाते हैं और प्रज्ञा यहाँ पर प्रज्ञा वह है जिसके कारण हम अंधकार रूपी मोह को हम नष्ट करके सभी संस्कार अनित्य है सभी संस्कार दुखमय है सभी संस्कार अनात्म है इसको हम जान पाते हैं और इसके कारण हम फिर जान पाते हैं कि स, सही स्थिति क्या है और तभी हम निर्माण को प्राप्त करते हैं और उपाय के कारण हम उपाय को यहाँ पर करुणा बतलाया गया है बाद के ग्रंथों में महायान शास्त्रों में हम देखते हैं कि उपाय को यहाँ पर करुणा के रूप में कहा गया और यही प्रज्ञा और करुणा बाद में महाप्र प्रज्ञा और महाकरुणा जो बुद्ध के लिए आती है कि बुद्ध सभी कल बहुजन के लिए और बहुजन सुखाई के लिए जब वो बोधिसत्व के रूप में यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार से फिर वह एक बोध महा प्रज्ञा और महा करुणा की बात करते हैं और यहाँ पर करुणा जब आती है तो करुणा यहाँ पर केवल एक तरह से भरबल सिम्फैथिक के रूप में नहीं है लेकिन यहाँ पर करुणा के बारे में कहा गया है कि करुणा दूसरे के दुख को देखकर किस प्रकार से हृदय कर्पन्न होकर उसके दुख निवारण के लिए जो उपाय किए जाते हैं वह करुणा कहा जाता है कम इति दुखम रुनाति इति तम पविशति बिनाशाय भाईमति च करुणा यहाँ पर करुणा के बारे में बतलाया गया कि करुणा केवल एक तरह से शाब्दिक एक तरह से सिम्पैथी या शब्द नहीं है लेकिन एक व्यक्ति जब अपने एफर्ट के द्वारा अपने व्यायाम के द्वारा किस प्रकार से उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करता है वह करुणा कहलाता है और यही प्रज्ञा और करुणा बाद में डेवलप होकर हमारे महायान के शास्त्रों में एक अलग स्थान पाया है और अलग इसके बारे में हमारे कई शास्त्रों का निरूपण किया गया है और यही आज के हमारे जो वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से हम मानवतावाद प्रकृति और वातावरण को हम बचा सकते हैं भगवान बुद्ध के उपदेशों को किस प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात करके किस प्रकार से अंगीभूत करके हम उसको जीवन में अपने आप में कर सकते हैं किस प्रकार से हम एक्टिव बुद्धिज़्म बौद्ध धर्म की रूप में कि कैसे हमारे जो भगवान बुद्ध के आदर्श बौद्ध धर्म हैं उनको अपने जीवन में दिन प्रतिदिन के घटनाओं में किस प्रकार से आत्मसात करके हम व्यवहार रूप में लावें यही आज के दिन त्रिगुण पावनी जो हमारे आज बुद्ध जयंती मनाई जा रही है उसकी जरूरत है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आरोग्यनो खिमनो हंतु सभ्य सत्ता भवंति सुखी तत्ता धन्यवाद सर अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर अपने उद्बोधन समय लाभान्वित करें आप अध्यक्ष धर्म दर्शन विभाग संस्कृत विद्यालय से संबंधित हैं अनुरोधमुत्पादम अनुच्छेदम अनेकर्थम अनानार्थम अनागम अनिर्गम यह प्रतीत समुत्पादम प्रपंचोपम शिवम देशया मास संबुद्धस्तम वंदे वरम इस परम पावन अवसर में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर भिक्षु सुमित थेरो जी जो अभी अभी पधारे हैं एवं कुलसचिव महोदया एवं यहाँ समस्त उपस्थित विद्वत बिंदु को मैं सामूहिक रूप से प्रणति निवेदित करता हूँ और पांच पांच आधिकारिक बौद्ध धर्म दर्शन में निष्णात विद्वानों के अनंतर ये शरीर खड़ा हुआ है जिसने ऊपर से बौद्ध दर्शन का कुछ अध्ययन किया है स्पर्श किया है नीचे से अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला सीधे मूल माध्यमिक कारिका से मेरा प्रवेश होता है बौद्ध दर्शन में आचार्य में वो ग्रंथ रखा हुआ था और फिर उसी में शोध करने की भी इच्छा हुई तो उसी के माध्यम से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वही मैं दो मिनट में दो तीन मिनट में यहाँ रखना चाहता हूँ मैं स्वतः स्फूर्त रूप से भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उन्नत होता हूँ मेरा डिपार्टमेंट से कोई इस प्रकार का कोई बौद्ध दर्शन से संबंध नहीं है सांप्रदायिक संबंध जातिगत संबंध कोई नहीं है लेकिन स्वतस्फूर्त रूप से बाल्यकाल से ही भगवान बुद्ध के प्रति मेरा एक भाव था श्रद्धा थी और वो श्रद्धा वो बढ़ती गई बढ़ती गई और आप लोगों के समक्ष खड़ा होने का सौभाग्य मिला काशी में पंडितों के सभा में जहाँ बौद्ध लोग नहीं रहते हैं केवल वेदांती नहीं नैयायिक रहते हैं वहां भी मैंने प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांतों को लेकर के शास्त्रार्थ तक किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कई जगह बोला भी हूं ये भगवान बुद्ध की कृपा है और ऊपर से पढ़ा इसीलिए उसमें आया है कि आत्मेत्यपि प्रज्ञपितम प्रज्ञापितम देशितम बुद्धैर आत्मा न चानात्मा न किंचित देशितम विचार करिए बुद्ध भगवान बुद्ध ने कहीं अत्ता ही नाथ भी कहा कहीं अनात्मा भी कहा इसका निष्कर्ष है कि बुद्ध ने न तो आत्मा की बात बताई न तो अनात्मा की बात बताई प्रोफेसर सारस श्रावक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये दुर्वबोध है ये बुद्धिग्राह्य विषय नहीं है ये वही समझ सकता है जो प्रशांत चित्त होता है जो जितेंद्रिय होता है जो दोषों से रहित होता है जो आज्ञाकारी होता है जो गुणों से अन्वित होता है जो मुमुक्षु होता है जो दुखों को देखता है कोनो हासो किमानंदो नित्यम पद जलिते गहे जो संसार में रहते हुए दुख देखता है समझता है बस वही बुद्ध धर्म दर्शन का अधिकारी है उसी को ये सुनाया जाना चाहिए असली चीज ये है और यहाँ आप लोगों के व्याख्यान से मैं कृतकृत्य हूँ दुबे जी से व्याख्यान प्रारंभ हुआ पाठक लाल जी श्रावक जी का व्याख्यान जो भी व्याख्यान यहाँ हुए सबसे मैं स्वयं में लाभान्वित हुआ हूँ और कई जगह घंटों घंटों बौद्ध दर्शन के विषय में इस इस शरीर को व्याख्यान करने का अवसर मिलता है यहाँ आधिकारिक विद्वानों के सामने सुना करके मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने को एक दो घटना सुना करके मैं बात को समाप्त करता हूँ दस बारह वर्ष पहले कुशीनगर दर्शन करने गया था और उसमें प्रोफेसर रजनी शुक्ला जी भी साथ में थे हम लोग गए वहाँ पर भगवान की जो भगवान का विग्रह था लेटा हुआ देखा उसमें देखा कि एक विदेशी प्रविष्ट हुआ और बुद्ध को देखते ही वो रोना शुरू कर दिया बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ है ढाई हजार वर्ष पहले हुआ लेटा हुआ शरीर देख करके वो पुक्का फाड़ करके वहाँ रोने लगा हम लोग भी विचलित हो गए देखिए ऐसा भी एक मानव रूप में इस धरा धाम में व्यक्ति आया है जो एक विदेशी है जो भारत नेपाल का इधर का नहीं था जो रो रहा है इस तरह से वो घटना कभी मुझे विस्मृत नहीं होती एक घटना आप के सारनाथ के हैं जहाँ भिक्षु को उपदेश देने का सीन जहां पर बनाया गया है वहां एक दक्षिण भारतीय हिंदू श्रद्धालु जोड़े दर्शन करने आए थे पत्नी थोड़ा सकुचा रही थी पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें साष्टांग करें प्रणाम करें बुद्ध को देख रही थी तो पति बोलता है नारायण नारायण बुद्ध नारायण करके साष्टांग मारा उसने उसके बाद पत्नी ने भी साष्टांग किया उस दिन भी मैं विचलित तो हो गया ये भारत वर्ष है ये भारत वर्ष का भाव है इसीलिए बुद्ध को यदि समझना है बौद्ध दर्शन के बात को समझना है तो सबसे पहले मन वचन कर्म से ठीक होना होगा स्वयं को ठीक किए बिना यह गंभीरम भीरु भीषणम ये तत्व समझ में आने वाला नहीं है अंत में ये बोधिचर्यावतार की चर्चा प्रोफेसर साहब ने भी की काये नैव पठिष्यामी वाक्पाठ न तो किम भवेत चिकित्सा पाठ मात्रण रोगिण किम भविष्यति इसलिए इसको जी के हमें दिखाना है और इस विश्व में भगवान बुद्ध कहीं गए हुए नहीं है उनका सिद्धांत अभी पड़ा हुआ है उन्हें जो इस धराधाम में जो उपदेश दिया है मानवता के कल्याण के लिए वो न भूतो न भविष्यती है इस प्रकार का विग्रह इस शरीर धारी इस संसार में बड़े मुश्किल से आता है इसलिए उसको हमें जी के दिखाना है दूसरे के लिए नहीं स्वयं के लिए स्वयं का उद्धार करना है हमको सबसे पहले यही भगवान का उपदेश है जो स्वयं का उद्धार किया रहता है वही दूसरे के लिए कुछ सोच पाता है इस सारनाथ में लगभग पंद्रह बीस वर्षों से इसी तरह आकर के यहाँ श्रवण करने का अभी कभी दो शब्द रखने का धी पत्रिका के विमोचन का ये जो आनंद लेने का अवसर दस पंद्रह वर्षों से बीस वर्ष से अधिक हो गए होंगे जब आदरणीय रिम्पोछे जी हुआ करते थे तब से ये शरीर यहाँ आ रहा है और जब तक भगवान की इच्छा रहेगी यहाँ आता रहेगा इसी के साथ जितने भी यहाँ साधक विद्वान एकदम पराकाष्ठा में पहुंचे हुए जो चिंतक हैं सबको मैं पुनः प्रणाम करते हुए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वाणी को विराम देता हूँ नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमः संघाय नमो नमः धन्यवाद गुरुजी। अब अगले क्रम में मैं पूज्य बदंत सुमित थेरो जी से निवेदन करूँगा कि वे आए और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें आप जम्मू द्वीप लंका श्रीलंका बौद्ध विहार सारनाथ के बिहार अधिपति हैं पूज्य भदंत सुमित थेरो නමෝනමෝබුද්ධ දිවාකරාය නමෝනමෝගෝතම චන්දිමාජ නමෝනමෝ අනන්ත ගුණන්නවාජ නමෝනමෝසාකය වන්දනාජ ඉතිපිසෝ බගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධහෝ. විද්්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝක විදු. අනුත්තරෝ පුරිසධම්ම සාර්ථී සත්හා දේව මනුස්සානං බුද්ධහෝ භගවාති පරමපූජ්්‍ය භික්‍ෂු මහාසංග ආද්‍රණය පුද්ජලාම ගන කේන්ද්‍රිය තිබති විශ්වවිද්‍යාලමේ කුලපති ආදරණීය ප්‍රපස වංචුක් ඩොර්ජය නැගීී අ ලේක්කා අධිකාරී ශ්‍රීමති සුනතා මැඩම්ජී උපස්තිත් බෙනරස් හිදු නිසිටිමේ පාලී ඒවන් බෞද්ධ්‍යයන විභාගමයේ පපස විමල එන්දරජී සංස්කට් යනිවසිටි මේ පාලිවං ස්‍රමණ විභාගමය ආද්‍රණීය පපස රමේෂ ප්‍රසාජ්ජී සංස්කට් සිට පාලි බෞද්ධ අද්‍යන දර්සන විභාගමය ආද්‍රණීය ප්‍රපස හරි ප්‍රසා් ඩික් සිද්ජි අවර වෙනරස්ද සිටි මේ පාලි ඒවන් බෞද්ධ අධ්‍යයන මේ ප්‍රපස प्रदम दुबे जी प्रोफेसर सर्वाकर जी और बाकी बहुत गण है कुछ लोग का नाम हमको आता है कुछ लोग नया है फिर भी सभी लोग को सर्वप्रथम भगवान बुद्ध का जन्म बुद्धत्व प्राप्त आवस्र, आवस्र पर निर्वाण तीनों अवसर शुभ अवसर पर मंगल अवसर पर आप लोग का तिरत्न का आशीर्वाद से बेहतर भविष्य के लिए सुखी दी संपत्ति के लिए विश्व का शांति के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें हमको याद आ रहा है अभी 25 साल पहले 1997 में ऐसा एक दिन में शाम को इसी पेड़ में नीचे ऐसा एक पेड़ था ये पेड़ है और दूसरा पेड़ है पता नहीं एक छोटा तो उसी पेड़ में नीचे प्रोफेसर समदन रिम्पोचे जी उसी वक्त में निदेशक था और ऐसा बहुत छोटा एक कार्यक्रम था धी पत्रिका का विमोचन और बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर पूर्व संध्या में उस वक्त में हमको याद आ रहा है और प्रोफेसर ए के नारायण बिनारस हिंदी यूनिवर्सिटी का लक्ष्मी नारायण तिवारी और समतानी जी प्रोफेसर प्रोफेसर सुपासक और प्रोफेसर Uh, हम लोग का परम पूज्य uh, कई महान विद्वत लोक, उसी अवसर पर इधर उपस्थित था सारनाथ में विभिन्न मंदिर तरफ से हमको याद आ रहा है परम पूज्य गोशीलामा जी और पूज्य बदंत तिब्बत uh, ताई मंदिर में बनते शासन रश्मिता तो अभी वो ऐसा विद्वान उसी वक्त में था आज वो सभी लोग नहीं है फिर भी उसी पीढ़ी में उसी परंपरा में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ संस्कृत यूनिवर्सिटी पाली बौद्ध इतिहास विभाग का वर्तमान में और उसी पीढ़ी में वर्तमान समय में हम लोग का सामने ओ लोग का आशीर्वाद से उसी परंपरा चला रहा है आप लोग का सामने आज का दिन हम लोग का प्रोफेसर वंचुक नेगी डोरजे जी ने तिब्बती संस्था में कार्यक्रम आयोजन कर लिया आप लोग को तिब्बती संस्था में पूरा अध्ययन विभाग में छात्रगण अध्यापकगण पूरा तिब्बती समाज के लिए भी इस परम पावन स्वर्ण इस दलाई लामा जी पूरा तिब्बती समाज सभी लोग की भी हम शुभकामना देता हो आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का अवसर पूरा विश्व में तेरवाद परंपरा महायान परंपरा वज्रयान परंपरा और नवयान परंपरा इस सभी बौद्ध परंपरा का पूरा विश्व में संसार में सभी बौद्ध अनुयायी लोग को बहुत महत्वपूर्ण है उससे अलावा भगवान बुद्ध का संदेश उसी वक्त में दिट्ठा व ये चिट्ठा ये चूरे वसंती अभी दूरे भूता सत्ता सुखित दिट्ठा व ये चिट्ठा आपने देखा होगा नहीं देखा होगा ये च दूरे वसंती अभी दूरी आपका सामने होगा दूर में होगा भूतावा संभवे जन्म ले लिया होगा जन्म भविष्य में लेने वाला होगा सभ्य सत्ता भवंत सुख तत्ता उसका सीमा नहीं था भगवान बुद्ध का आशीर्वाद का प्रार्थना का और संदेश का ऐसा महान विश्व में द्विपाद चतुपाद बहुतपाद प्राणी मनुष्य देव भूत सभी लोग के लिए पूरा संसार में कितना दुख है पूरा दुख दूर करने के लिए एक संकल्प लेकर इस संसार में भगवान बुद्ध ने आया बुद्धो हम बोध इस्सामी मुत्तो हम मोचे पर हम सर्वप्रथम बुद्धत्व प्राप्त करकर ए संसार में ज्ञान ग्रहण कर कर दुनिया में संसार में अंधेरा में है वो लोग का अंधेरा अज्ञान दूर करेगा भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उसी वक्त में उसी इसी दुनिया में काली दो समस्या था उसी वक्त में काली दो समस्या था किंग कुशल गवेशी किंग सच्च गवेशी इतना है समस्या जो शताब्दी में भारत में उसी वक्त में बैसठ से ज्यादा शास्त्रु था वो सारा सभी लोग निकलकर किंग कुशल गवेशी किंग सच्च गवेशी सत्य क्या है? वो कोच रहा है कुशल क्या है? अच्छा चीज क्या है बुरा चीज क्या है वो कोच रहा है। तो बुद्ध ने निकला वो सबके पास गया सभी लोग मिला कितना दर्शन है शास्त्रु है और धर्म है दर्शन है सारा देखा खुशी नहीं हुआ ओने अति हे ही तियो मग्गो नसो सक्का नहे त्यो ප සිස්සාමි තම් මක්ගං භවතෝ පරිමුත්තිය. අත්ති හේ හීති යෝ මක්ගෝ. ස්කා මාර්ගතෝ හෝනා හෝනාහයි. නසෝ සක්කා නහේතිෝ. අයිසා සම්භාවන නහහිය ඕතුෝ හෝනාහයි. පරියේ සිස්සාමි තම් මක්ගං ඕ මගග හම් කොජේගා. භවතෝ පරිමුත්තිය ඒ භව बार 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 इसी दुनिया में आ रहा है दुख ले रहा है इससे दूर होने का रास्ता हम निकलेगा खोजेगा उसी वक्त में बुद्ध का नाम तो सुमेद था उसी वक्त का बुद्ध का नाम उसी वक्त में बुद्ध था दीपंकर बुद्ध था दीपंकर बुद्ध पाद मूले सुमेद एक तापस था सात मंजिला का उनका बड़ा महल था सबको बुलाकर सात मंजिला दान दे दिया दान पारमिता उसी वक्त में शुरुआत कर लिया बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए दस पारमिता है, दस पारमिता का पहला पारमिता दान पार्मिता अपना सात मंजिला का वो महल चोर कर दान देकर शुरुआत कर लिया 550 बार आया उसी 550 बार में 480 बार इसी बनारस में जन्म ले लिया जातक कहानी में 450 में और 450 550 में 450 से ज़्यादा बार इसी बनारस में जन्म ले लिया काशी विद्या काशी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और महात्मा गांधी में और संस्कृत यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा विद्वान लोग सामने इतना ज़्यादा हमको बात कर सकते नहीं है आप लोग का जो कुछ आप लोग का तरफ से हमको ज्ञान मिला और किताब देखते थोड़ा भगवान बुद्ध का चरित बुद्ध चरित भगवान बुद्ध ने ऐसा बुद्ध चरित का प्रवचन नहीं दे दिया भगवान बुद्ध का बायोग्राफी भगवान बुद्ध ने नहीं लिखा है भगवान बुद्ध का प्रवचन में भी बुद्ध चरित ऐसा कुछ नहीं है त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध का प्रवचन है त्रिपिटक में भी बुद्ध चरित कुछ नहीं है अलग बुद्ध चरित नहीं है और इसीलिए अलग अलग सूत्र में कुछ कुछ संयुक्त निकाय में दीग निकाय में मध्यम निकाय में कुछ कुछ सूत्र में भगवान बुद्ध का जीवन का कहानी थोड़ा थोड़ा है एक एक जगह में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा माता जी बारे में पिताजी बारे में गुरु लोग बारे में तपस्या बारे में कुछ कुछ लोग ने बोला और कुछ कुछ चीज बोला वो चीज तो है और अट्टकथा में उसके उसमें उस नहीं है अट्टकथा में है और उसके बाद वो अट्टकथा में नहीं है दूसरा है अनुअट्टकथा में ये सब कुछ मिलाकर देखना पड़ेगा बुद्ध बनाना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा और तेरवाद परंपरा में महायान परंपरा में वज्रयान परंपरा में अलग अलग ढंग से भगवान बुद्ध का चरित्र प्रस्तुत कर लिया वो भी देखना पड़ेगा मतलब तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग बार में देखेगा तो विस्तर में और महावत्त में उसके बाद त्रिपिटक में अलग अलग कहानी है सब कुछ मिलाकर देखना पड़ेगा और अभी शाम को अभी हमको भगवान बुद्ध का इसी दम सभा में याद आया भगवान बुद्ध ने भिक्षुलोक को एक उपदेश दे दिया आगे कल्याणं मध्य कल्याणं परियोषण कल्याण बात करते वक्त आदि कल्याण शुरुआत शुरू में कल्याणकारी होना चाहिए गलत चीज बात करना बात और मध्य कल्याणं अभी मध्यम में भी मिडिल में भी वो सही होना है कल्याणकारी होना है परियोषाण कल्याणं अंत में भी सही होना है कल्याणकारी होना है ये बुद्ध का संदेश था अभी हमने प्रोफेसर वंचुक डोरजे से पूछा आज का कार्यक्रम आपने कहा आयोजन कर लिया वो हमको बोला वो बड़ा हम लोग का मैदान है उद्यान में आयोजन कर लिया ओपन में हमको बहुत खुशी हुआ इसी जगह हमें भी आकर आप लोग इतना बड़ा विद्वान लोग और लामा लोग उपस्थित सभी लोग देखकर बहुत खुशी हुआ भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त पर निर्वाण जन्म तीनों दिन में भगवान बुद्ध को इससे ज्यादा और उपहार नहीं है क्यों पूरा जीवन भगवान बुद्ध का जन्म तो උද්‍යාන් මේ ලුම්බිනිීමේ හවා. බුද්ධත්ව ප්‍රාප්ත බුද්ධගෑමෙක් පේඩමේ නීචේ හවා. අ පැහැලා ප්‍රවචන සාරණාත්මය ඒ උද්‍යාන් මේ සංකම්පයන් දස සහස්සිය ලෝක දහතුන් දේශේසි යත්‍ර භගවා වරදම්ම චක්කං. බාරා නසීපුර සමීප වනේ මිගානං තන් ධම්ම චේතිය මහංසිලසා නමාමි. සංකම්පයන් දස සහස්්‍යය ලෝක දහතුන් දසද ඒ ඒ ශහස්්‍ර ලෝක දහතු ප්‍රකම්පනය කරක. දේසේසි යත්‍ර බගවා භගවන් බුද්ධනය පැහලා පධර්මචක්්‍රකහා කරලයා. භාරණසි පුර සමීප වනේමිකම් බෙනනාරස් සමීප් මේ මුෘගදාවනමි. තන් ධම්ම චේතිය මහන්සිෙල්සා නම. ඌ ධාර්මික ස්තූප. භගවන් බුද්ධකා ප්‍රවචනීසි ජගහමේ හුව उसගේ බාත් අබි උද්‍යාන භාරමේ භගුවන් බුද්ධකා පැහැලා ආශ් ආශම ආරාම. वेल वन है बिंबिसार महाराजा ने दे दिया उसके बाद भिक्षुणी शासन का स्थापना कर लिया भगवान बुद्ध ओ विशाल वैशाली में तो कूटागार महावन है अपना माता पिताजी देखने के लिए कपिल वस्तु में गया महा महावन है उस हिसाब से भगवान बुद्ध कुछ कुछ ए नदी का सामने किनारे और उसके बाद पेड़ में नीचे एक उद्यान में और ऐसा खेत में भारद्वाज सूत्र देखेगा तो केत में तो इसीलिए भगवान बुद्ध ये संसार में सबसे बड़ा एक पूरा वन के साथ और परिसर के साथ पुरुष के साथ पूरा जीवन बिताया उसके बाद तेने उपदेश दे दिया वन चिंदत मारू का पेड़ काटना मत हाथ लगाना मत और पेड़ काटना एक आदमी का हत्या करने का बराबर कर। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया इसलिए आज का दिन में तो बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त पर निर्वाण जन्म शुभावसर पर तिब्बती विश्वविद्यालय तरफ से एक कार्यक्रम आप लोग ने आयोजन कर लिया सारनाथ में विभिन्न बौद्ध मंदिर बौद्ध संगठन तरफ से आज सुबह महाबोध ऑफ इंडिया के अनुपूज अनगाग धर्मपाल जी ने इसी जगह में धरती में आकर बौद्ध जागरण पुनर्जीवित कर लिया उसके बाद ही सोलिन दलाई लामा जी भी महाबोधि सोसाइटी का तरफ से 1956 में बुद्ध संबुद्ध जयंती आयोजन कर लिया उसी वक्त में इसी देश में आया अभी तिब्बती में और पूरा दुनिया में बौद्ध अनुयाय लोग वज्रयान तेरवाद महायान तीनों परंपरा मिलकर बुद्ध का जयंती बना रहा है भारत में भी इतना बौद्ध अनुयायी लोग आगे बढ़ रहा है संस्था बढ़ रहा है हमको एक कहानी सुना उससे हम खत्म करेगा एक किताब में हमने देखा तिब्बत में पहला भिक्षु राजा के पास गया उनका पास तीन चीज था, एक किताब था एक स्तूप था एक माला था कहा भी जाएगा तिब्बती लामा का हाथ में ये तीनों चीज है माला है और स्तूप है किताब है तो बुद्ध धर्म जीवित करने के लिए आपने पूरा जीवन दे दिया वो सभी हम लोग का सामने नहीं है सभी लोग याद करते इसी संस्था शुरुआत कर कर खासी नरेश और उसके बाद गो गोसे लामा जी बाकी अन्य विभिन्न लामा लोग और के पी सिंह साहब रजिस्ट्रार अभी नया रजिस्ट्रार मैडम श्रीमती सुनीता जी आया अब तो बहुत आ, हम लोग का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ता उसी वक्त से उसके बाद भी लखनऊ में तो हमको मुलाकात हुआ आपका लगाव बिनारस यूनिवर्सिटी सभी लोग के साथ है और इसी जगह हमें आप भी स्वागत करते ये काम आप सभी लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें शुभकामना करें बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सब मंगल धन्यवाद पूज्य भंते जी कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करता हूँ नमो तस भगवतो सम्बुद्धस नमो तस् भगवतो अर्थो सम्बुद्धस नमो तस सम्मा परम अर्म समु संघ तथा विभिन्न यूनिवर्सिटियों से पधारे प्राचार्यगण तथा मेरे संस्थान परिवार के सभी कर्मचारीगण और विभिन्न संगठनों से आए तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखने वाले आप सबका मैं सर्वप्रथम तो हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं स्वागत करता हूं जब मैं तथागत बुद्ध को दी का थर्ड वाला प्रति में बैंड कर रहा था तो तुरंत मेरे अंदर पुराने जो उन्नीस में सर्वप्रथम मैं भी ती पत्रिका में संगलन हुआ था ती पत्रिका का शुरुआत जो है 86 में हुआ था तो उस समय मैं दुर्लभ योजना में कार्य करता था उस समय प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी जन्नार्दन पांडे जी ब्रज बल्लभ द्विवेदी जी आदि अनेक दिग्गज लोग थे उनका समरण हो आया और मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आगे चलकर ये त्रेसठ सु द्वीपत्रिका तथा बुद्ध के चरणों में मुझे समर्पित करने का अवसर मिलेगा ये एक संयोगी का ही इस साल मैं तिरसठ सु वर्ष में, में प्रवेश हूँ <laughs> और मैं तिरसठ सु द्वीपत्रिका को जो है तथागत बुद्ध को समरण समर्पित कर रहा हूँ ये संसार देखिए कैसा शन बंकुर है अनिश्चय है आज हम हैं तो कल हम नहीं होंगे लेकिन जब हम थे उसमें यदि हमने कुछ समाज के हित में लोगों के हित में कुछ कल्याणकारी काम किया हो तो वो परंपरा जो है निरंतर बने रहती है प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय तो जी ने इस ती पत्रिका को शुरुआत किया था इसके चलते आज हम ती पत्रिका के नाम से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं साथ ही साथ आपको बुद्ध जयंती तो है ही है लेकिन इस परंपरा के साथ हर साल जो है ये पत्रिका जो निकलती है और लोग आपस में बैठ के इस पर विचार विमर्श करते हैं इसलिए हम लोगों को इस दुर्लभ मानव जीवन की प्राप्ति के पश्चात कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य छोड़ करके के जाना चाहिए उसके पश्चात भी लोग हमें स्मरण करें याद करें तभी तो जीवन का मैं समझता हूँ अर्थ है मीनिंग है अन्यथा दुनिया में लोग आते हैं आकर चले जाते हैं किसने किसको जाना है यही तथागत बुद्ध को लें तथागत बुद्ध दो हज़ार पाँच सौ सड़सठ वर्ष पहले उन्होंने इस पर जन्म लिया है उसके बाद उन्होंने करोड़ों लोगों का हित किया तथागत बुद्ध भी कोई ऊपर से अवतरित ऐसे कोई अवतार नहीं थे वो भी हमारे तरह ही थे ऑर्डनरी थे सामान्य जन थे लेकिन उन्होंने प्रयास किया और वो जो है बुद्ध बने यदि हम भी ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भी बुद्ध बन सकते हैं इस चीज़ को हमको समझना चाहिए ये कोई तथागत बुद्ध की बपोती नहीं है सभी प्राणी मात्र के अंदर जो है बुद्ध बनने की क्षमता है यदि प्राणी है यदि सत्व है तो उसके अंदर बुद्ध बनने की क्षमता है जैसे श्याम बुद्ध के अंदर थे या कह सकते हैं सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ गौतम भी हमारे तरह ही प्राणी थे सत्व थे तो वो जब बुद्ध बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बुद्ध बन सकते हैं वैसे भी महायान में तो कहा गया है कि सभी प्राणी मात्र में जो है बुद्धत्व व्याप्त है ये होना भी चाहिए मैं समझता हूँ मेरे दृष्टि से जैसे कि यदि आप आम का पेड़ उगाना चाहते हैं तो आम का बीज होना चाहिए सेब के बीज से तो आम नहीं बन सकता है तो यदि आपको बुद्ध बनना है तो बुद्ध बनने की बीज बुद्ध बनने की क्षमता आपके अंदर या प्राणी के अंदर होना चाहिए उसके अभाव में व्यक्ति बुद्ध नहीं बन सकता है जब सिद्धार्थ बुद्ध बन सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं बुद्ध बन सकते हैं इस चीज़ को, को है, है इस चीज़ को हमको समझना चाहिए हमारे अंदर वो बुद्धत्व जो है है इस चीज़ को हमको समझना जब हम बुद्धत्व की बात करते हैं तो बुद्धत्व क्या है इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा मेरे दृष्टि ने मेरे दृष्टि में बुद्धत्व का अभिप्राय जो है क्या है कि बुद्ध जो है असीमित ज्ञान के भंडार थे असीमित करुणा के भंडार थे असीमित परोपकार करने वाले थे उसको हम मैं बुद्ध कहता हूँ बुद्ध का अर्थ ऐसा नहीं कि कहीं सुपर पावर कहीं बैठा हो ऐसा नहीं बुद्ध वो है जिसके अंदर असीमित करुणा असीमित ज्ञान असीमित परोपकार करने की क्षमता इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो चित्त के क्वालिटी को देखिए चित्त के गुण पर विचार कीजिए तो जड़ और चेतन में आप अंदर कीजिए जड़ भौतिक पदार्थ है उसके अंदर जो है वस्तु को परसीव करने की वस्तु को जानने की क्षमता नहीं रहती है वस्तु को जानने की क्षमता जो है चेतना में रहती है चित्त में रहता है चित्त का गुण जो है क्या है वस्तु को जानना वस्तु को समझना जो है चित्त का एक क्या है क्वालिटी है जो हमें जड़ से अलग करती है वहीं दूसरी और देखिए चित्त का गुण जो है क्या है करुणा है करुणा में है कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो किसी ना किसी को प्यार या सने न करता हो हिंसक भी हो हिंसक प्राणी भी हो चाहे टाइगर जैसा हिंसक प्राणी जो मांस पर निर्भर करती है उसके अंदर भी अपने कक्ष के प्रति अपने बच्चों के प्रति स्नेह जो है रहती है इसलिए ये सिद्ध करती है कि चित्त के अंदर जो है करुणा का अंश है दया का अंश है जड़ के अंदर यह गुण नहीं है चित्त चित्त का ये क्वालिटी जो है क्या है करुणा में या दया में होना जो है चित्त का एक गुण है ऐसा मैं मानता हूँ दूसरा तीसरा गुण क्या है जड़ कोई अपने से कार्य करने में सक्षम नहीं है जड़ पदार्थ अपने से कार्य नहीं कर सकता है कार्य करने की क्षमता जो है क्या है चित्त के अंदर है चित्त ही कार्य को संपन्न कर सकती है चित्त के मार्फत अर्थात तो इस प्रकार जब आप देखते हैं चित्त का गुण क्या है ज्ञान बोध करना वस्तु की वास्तविकता को समझना चित्त का एक गुण है दूसरा गुण है करुणा चित्त का गुण है तीसरा गुण है परोपकार करना ये तीन हर व्यक्ति के अंदर हर प्राणी के अंदर ये तीन गुण जो है समाहित है ऐसा मैं मानता हूँ अब इसको जो है हमको डेवलप करना है हमें अपने ज्ञान को विकसित करना है विकसित करते हुए इन्फिनेट ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों को करना है जब हम इन्फिनेट ज्ञान की ज्ञान का बात करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमको जो है सुपरसोनिक जेट बनाना है या ये बनाना है या वो बनाना नहीं वस्तु की वास्तविकता को समझना वास्तु वस्तु की रियलिटी को समझना जो है मैं समझता हूँ ज्ञान का जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए जब इस पर हम विचार करते हैं तो तथागत बुद्ध ने जो है हर वस्तु को जो है प्रतीत सम्मात कहा है तथागत बुद्ध के अनुसार जो है क्या है सभी धर्म जो है प्रतीत सम्मान है इस पर आप गंभीरता पूर्व अगर आप विचार करेंगे तो तथागत बुद्ध की विशेषता को आप समझेंगे तथागत बुद्ध से पूर्व जो प्रतीत समुत्पात का सिद्धांत जो किसी ने स्थापित नहीं किया या तो उस समय शाश्वतवादी थे या तो उस समय जो है चारवाक जो है उच्छेदवादी थे या तो शाश्वतवाद या तो उच्छेदवाद लेकिन तथागत बुद्ध जो है शाश्वत और उच्छेद के बीच में मध्यम मार्ग, अर्थात प्रतीत समुत्पाद की स्थापना जो है बुद्ध ने किया है संसार में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो हेतु या प्रत्यय से उत्पन्न नहीं हो बिना कौश और कंडीशन का किसी भी प्रकार का वस्तु वस्तु का वजूद हो ही नहीं सकता अस्तित्व हो ही नहीं सकता है वस्तु को अस्तित्व में आने के लिए जो है हेतु प्रत्यय की आवश्यकता होती है जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम भवन को लें बिल्डिंग को लें बिल्डिंग में भिन्न भिन्न आपको आपको ईंट चाहिए गारा चाहिए पत्थर चाहिए लकड़ी चाहिए शीशा चाहिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए तो उनके संयोग से जो है बिल्डिंग बनता है हेतु प्रत्यय के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व हो नहीं सकता है यदि आप मान लें बिना हेतु और प्रत्यय का किसी वस्तु का अस्तित्व है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जेब में हाथी भी है कल्पना तो कर सकते हैं क्योंकि उसके होने के लिए जो हेतु प्रति की आवश्यकता नहीं है है ना इसलिए तथागत बुद्ध जो जो मुझे प्रभावित करती है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत जो है मुझे प्रभावित करता है तो मैं तथागत बुद्ध के प्रति जब प्रतीित सम्मुतपात के दर्शन पर विचार करता हूँ तो अपने से जो है उनके प्रति जो है आस्था श्रद्धा जो है अपने से उत्पन्न होता है तो मैं प्रैक्टिकल रूप से जैसे कि हमारे रमेश प्रसाद जी ने हम लोगों को जो है प्रैक्टिकल होने की बात कही मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकल सिद्धांत की अपेक्षा में प्रैक्टिकल को पसंद करने वालों में हूँ इस दृष्टि से मैं पतित सम्मात का आपके सामने अपना विचार रखने चाहता हूँ मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को तो यही कहता हूँ कि देखो बच्चों जब तुम्हारे पास ब्रेकफास्ट के लिए जो है टेबल पर चाय आती है उसको जो है आप दो मिनट के लिए आंख बंद करके विचार कीजिए उस चाय पर चिंतन कीजिए ये चाय कहाँ से आया इस पर विचार कीजिए इसमें जो चाय पत्ती है वो जो है आसाम के बाग़ान या दार्जिलिंग या सिक्किम के बाग़ान में जहाँ गरीब महिलाएं अपने बच्चों को जो है पीठ पर रख करके बांध करके धूप में बारिश में होते हुए भी चाय पत्ती को उठाते दिया है।, है ना तो इस प्रकार प्रोसेस करके जो है हमारे टेबल तक पहुंचती है इस चीज़ को समझना चाहिए और उसमें जो चीनी है वो कहाँ से किसने गन्ना पैदा किया किसानों ने किस कठिन परिश्रम से गन्ना के मार्फत जो है ये चीनी बन कर के आपके टेबल पर आए इस चीज़ को विचार करना चाहिए सोचना चाहिए ये ऐसा ही ऊपर से ये टपक कर नहीं आया उसके पीछे हज़ारों लोगों का खून और पसीना बाहर है यदि आप इस चीज़ को समझेंगे सोचेंगे समरण करेंगे तो जब आप समाज में निकलेंगे उतरेंगे तो गरीब को देखेंगे किसान को देखेंगे मजदूर को देखेंगे तो उनके प्रति आप का अंदर जो है ग्रेचिट्यूड की भावना है ना रीनी भावना जो है आपके अंदर पैदा होगा हम लोग ये विचार नहीं करते हैं इसी के चलते जो है दुनिया में जो समस्याएं हैं, हमारे अंदर ग्रेचिट्यूड की भावना ऋणी भावना हमारे अंदर नहीं है हम जैसे उदाहरण के लिए प्रोफेसर हैं, तो हम समझते हैं हम प्रोफेसर हैं आप कैसे प्रोफेसर हैं यदि छात्र नहीं है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है यदि प्रशासन नहीं है यदि बिल्डिंग नहीं है यदि ये नहीं है वो नहीं कहां से प्रोफेसर है तो ये सब जो सम उत्पन्न है इस चीज को हमको जो है समझना पड़ेगा यदि ये विचार आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर दूसरों छात्रों के प्रति जो भाव होगा वो भी उत्कृष्ट होगा क्योंकि उनके चलते हमारा बाजूद है उनके चलते है हमारा नाम है या परिचय है ये सब इन सब चीज़ों उसी प्रकार अधिकारी हो तो भी अगर कर्मचारी नहीं है तो अधिकारी कैसे हैं अधिकारी का अस्तित्व जो है क्या है कर्मचारी के चलते है हर क्षेत्र में आप देखिए इस चीज़ को हम लोगों को जो है समझना चाहिए ऐसा मेरे को लगता है दूसरा जब मैं अंदरमुखी होकर के विचार करता हूँ तो व्यक्ति को जन्म लेने के पश्चात इस संसार में जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है बिना कार्य किए हुए वस व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता है काम तो करना चाहिए जब हम काम करते हैं तो उस पर थोड़ा अंतर्मुखी होकर के आप विचार कीजिए आप किसके लिए काम कर रहे हैं प्राय हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो दूसरों के लिए कर रहे होते हैं किसान अगर फसल उगा रहा है तो वो भी जो है दूसरों के लिए है कोई दुकानदार जो है सेल कर रहा है तो दूसरों के लिए है अध्यापक पढ़ा रहा है तो दूसरों के लिए कर रहा है हर काम जो है गंभीरतापूर्वक अगर आप विचार करेंगे दूसरों के लिए हम कर रहे होते हैं लेकिन ये भाव हमारे अंदर अगर रहे तो आप कभी भी काम से कामजोर नहीं होंगे यदि ये भाव ना हो करके आप ये सोचें कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ अगर ये आप सोचेंगे तो आप कामचोर भी होंगे उसको ईमानदारी के साथ आप काम को नहीं करेंगे तो इसलिए तो इस पर भी वास्तव में हम लोगों को अंतर्मुखी होकर के जो भी हम काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं इस पर जो है चिंतन मनन ज़रूर कीजिएगा अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके अंदर जो है कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी आपको आनंद का अनुभव होगा एक आप अधिकारी हैं तो आपको लगेगा वाह आज मैंने इतने जरूरतमंदों का जो है फाइल जो है निपटारा है कितने लोगों का मैंने मार्गदर्शन किया काम किया आज तो मेरा जीवन जो है मीनिंगफुल रहा अर्थफुल रहा ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए ना अगर ये ये भाव हमारे अंदर हो तो निश्चित रूप से जिसका आपने काम किया वो भी दुआ देगा दुआ देते हुए लौटेगा तो यदि ऐसा ना करते हैं हम अपने को अधिकारी समझते हैं और दूसरों को जो है आज का काम कल पर कल का परसों पर करते हैं वो बददुआ भी देगा हम लोग काम चोर भी हो जाएंगे तो इससे पहले कई वक्ताओं ने फल पर भी बहुत सारी बातें की क्योंकि है ही है कर्म फल ही है जैसे आप करेंगे उसका परिणाम वैसे मिलेगा इसमें ये ज़रूर है कि कभी कभी ये देखने को मिलता है बड़े बड़े नेता लोग बहुत उल्टा काम कर जाते हैं लेकिन उनको दंड नहीं मिलता है छोटे छोटे कर्मचारी जो होते हैं छोटा मोटा गलत कर जाता है तो तुरंत पनिशमेंट पा लेता है दंड पा ले इसलिए फिर लोगों के अंदर जो है कर्म फल पर जो है विश्वास जो है डिगने लगता है लेकिन मैं कहता हूँ अपने बच्चों से मैं ये कहता हूँ नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो बड़े नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं उन लोगों ने जो है पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य का संचय किया है वो एक प्रकार से वो आम के पेड़ के तरह हैं आम के पेड़ के तरह है उसका फल जो है इन्जॉय कर रहे हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक तो वो मिलते रहेगा जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं जो छोटे छोटे गलती पर पकड़े जाते हैं वो जो अनाज फसल के तरह है छः महीने में पक जाता है नष्ट हो जाता है ख़त्म हो जाता है वो चंगुल में फंस जाते हैं उनको जो उनको जो है पीड़ित होना पड़ता है इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म फल नहीं है बिल्कुल कर्म फल है कर्म फल जो होते है हम देखते हैं जीवन में देखते हैं कुछ कुछ फल जो है तीन दिन के अंदर मिलती है कुछ महीने के अंदर मिलता है कुछ साल के अंदर मिलता है कुछ वर्षों लग जाते हैं तो लेकिन कर्मफल जो है बेकार नहीं जाता है इस चीज़ को हमको जो है अगर विश्वास करें मैं समझता हूँ हमारा जीवन जो है धन्य होगा सुंदर होगा तो हमारे जीवन क्या है हमारे जीवन सत्तर अस्सी साल तक है उससे ज़्यादा और हम क्या जिएंगे और उन सत्तर अस्सी सालों में भी हमारे पास जो अधिकार होगा वो तो साठ या पैंसठ साल तक ये अधिकार होगा ना उसके बाद तो हमको रिटायर्ड होना ही पड़ेगा उस दिन क्या करेंगे जिस दिन आपके पास अधिकार है उसका अगर आप भरपूर लोगों के हित में अगर आपने काम किया होगा तो जीवन भर आप उसको समरन करेंगे तो कितना आपको आनंद आएगा कभी कभी मैं देखता हूँ ना वैसे ये जीवन क्या है स्वपन ही है सच पूछा जाए कल बीत गया है समरण मात्र है ना कल बीता है स्वपन ही कह सकते हैं हम उसको परसों बीत चुका है वो आज स्वपन ही है स्वपन के अतिर है क्या है ना? तो स्वपन है लेकिन कल जो हमने अच्छा काम किया था किसी का परोपकार किया था किसी का भलाई किया था उस स्वपन को हम अभी हम सोचते हैं तो आनंद आती है ना है तो स्वपन है लेकिन दो दिन पहले किसी के हित में आपने काम किया हो तो उससे आपको है शांति मिलती है पीस मिलता है स्वप्न होने के बावजूद यदि आपने गलत किया हो उसका समरण आपको आज आने लगे है तो स्वप्न है लेकिन उससे आप जो है परेशान हो जाएंगे तो इस सृष्टि से जीवन जो है बहुमूल्य है कुछ समय के लिए है जब तक हमारे पास अधिकार है उसका सदुपयोग करना चाहिए मीनिंगफुल जीवन जीने का प्रयास कीजिए चेष्टा कीजिए तो मैं सोचता हूँ यदि हम लोग ऐसा करते हैं तथागत कर बुद्ध के इस पुनित अवसर पर हम लोग बुद्ध जयंती का सेलिब्रेशन करके मीनिंगफुल होगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को ये जीवन बहुत दुर्लभ है आसानी से नहीं मिलता है है ना इस समय मिला है क्यों दुर्लभ है एक शब्द में बोल दूँ क्यों दुर्लभ है क्योंकि आज आप दुनिया में देख रहे हैं ना जितने भी डेवलपमेंट हुआ है वो किसने किया है मनुष्य ने किया है जट किसने किया मनुष्य ने किया है बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन में वो सब आदमी ने किया न कोई ऊपर से देवता आकर के तो नहीं किया किसी नाग देव से नाग आकर के तो नहीं किया मनुष्य ने किया ना तो हम भी मनुष्य हैं मनुष्य के अंदर ये क्षमता है मनुष्य प्रयास करे बुद्ध बन सकता है मनुष्य प्रयास करे बड़ा भारी साइंटिस्ट बन सकता है मनुष्य प्रयास करे बहुत कुछ कर सकता है ये हमारे अंदर ये पोटेंशियल है इस चीज़ को हमको समझना इस प्रकार पोटेंशियल वाला जो वस् ईजी कहाँ मिलेगा आसानी से नहीं मिल सकता ना डायमंड बहुत प्रीशियस है ना क्योंकि उसका यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना इसलिए वो प्रीशियस है वो आसानी से मिलेगा नहीं डायमंड के साथ मनुष्य जीवन को आप तुलना करेंगे डायमंड कुछ नहीं है मनुष्य के सामने तो मनुष्य दुर्लभ है तो दुर्लभ मानव प्राप्ति हम लोगों ने की है लेकिन इसके बावजूद ये शनिक भी है पता नहीं कल हम होंगे या नहीं होंगे तो इस चीज़ को भी समझते हुए अपने जीवन को जो है सुंदर बनाने का चेष्टा करना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ काफ़ी समय भी हो गया है तो आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ सुना धन्यवाद तो धन्यवाद सर अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए संस्थान के उपकुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए मंच पर आए और अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें नमो बुद्धाय। बुद्ध जयंती समारोह का अध्यक्षता कर रहे संस्थान के कुलपति महोदय परम श्रद्धेव प्रोफेसर वान शुक्तोरजे नेगी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य सुमेध थेरो जी संस्थान की कुल सचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा जी यहाँ पे पधारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभय कृष्ण तिवारी जी पुलिस कमिश्नर श्री अशोक जैन जी उपस्थित भिक्षुघर काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं संस्कृति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रधारे विद्वजन संस्थान के शिक्षकगण कर्मचारीगण प्रिय छात्र छात्राओं मैं इस समारोह को अमृत समारोह कहता हूँ उसके पीछे कारण है कुछ दिन पहले जब इस समारोह के आयोजन की विचार विमर्श चल रहा था तो माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि पहले यह कार्यक्रम दिन में होना था तो उन्होंने कहा कि नहीं क्योंकि पूर्णिमा है उस दिन वैशाख पूर्णिमा है और हम सभी को विदित है कि पूर्णिमा का चांद अमृत बिखेरता है अमृत प्रदान करता है उसकी रोशनी में अमृत होती है तो माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि नहीं ये कार्यक्रम हम लोग शाम को करेंगे जब चंद्र उदय होगा और उसकी अमृत रश्मियाँ हमारे ऊपर पड़ेंगी तो एक ये अद्भुत क्षण होगा दूसरा अमृत का पल क्या होगा कि यहाँ पे प्रधारे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और हमारे संस्थान के जो विद्वजन हैं उनके मुख से भगवान बुद्ध की अमृत वाणी हमें मिलेगी तो ये सारे जो अमृतमय हो गया है ये समारोह इसलिए मैं इसको बुद्ध जयंती का अमृत समारोह कहता हूँ आप सभी लोग यहाँ पे प्रधारे आप सभी का आभार बहुत बहुत धन्यवाद भगवान बुद्ध ने कहा था कि एक पावन और शुद्ध मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या कार्य करता है तो इंसान के साय की तरह खुशी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती है यहाँ पे अपने पहला उद्बोधन दिया प्रोफेसर पद्युमन दुबे जी ने आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ सर आपने बताया कि भगवान बुद्ध के शिष्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के भगवान बुद्ध ने कितना अच्छे से व्याख्या की और उसने उन्होंने बताया कि मृत्यु प्रांत के कैसे कैसे योनियों में मनुष्य को कैसे कैसे चीज़ों का भोग करना पड़ता है आपके इस उद्बोधन के लिए मैं सहिदा धन्यवाद करता हूँ मैं प्रोफेसर हर प्रकाश दीक्षित जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी उन्होंने विश्व में अशांति फैली हुई है तो क्यों आज इस ये संसार बुद्ध के बताए गए मार्ग के ओर पे जाने को विवश है आपने बताया कि युद्ध सिर्फ प्रेम सद्भावना से जीता जा सकता है भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाएं सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है मैं आपके इस बोधन के लिए बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं सर मैं प्रोफेसर लालजी शाह जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को उद्धृत किया और आपने इन घटनाओं को बड़े सरलता से हम सबसे साझा किया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध का मूल उद्देश्य था कि लोगों को दुख का निराकरण किया जाए आपने भगवान बुद्ध ने कैसे कैसे लोगों के दुख का निवारण किया क्या क्या मार्ग बताए उसके बारे में जो प्रकाश डाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं प्रोफेसर विमलेन्द्र कुमार जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ आपने बौद्ध दर्शन के माध्यम से कैसे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं आपने इस पर प्रकाश डाला आपने बताया कि करुणा एक सिंपैथी मात्र नहीं है बल्कि दूसरों के दुख को कैसे दूर करना है अथवा दूसरे के दुख को निराकरण करने के लिए क्या क्या प्रयास करना है ये करुणा है आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं प्रोफेसर हरी प्रसाद अधिकारी जी का भी धन्यवाद करता हूँ आप हमारे संस्थान में आते रहते हैं सर अपना आशीर्वाद देते रहते हैं आपने भी आज अपने वक्तव्य में बताया कि जो स्वयं का उद्धार करता है वही दूसरों का उद्धार कर सकता है भगवान बुद्ध के वचनों को आपने इतने सरलता से हम सबके समक्ष रखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं आज के मुख्य अतिथि पूज्य भदंत सुमेध थेरोज्जू जो आज की मुख्य अतिथि हैं मैं आपका भी सर बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में अपना समय निकाला और हमारे संस्थान में आके अपना उद्बोधन दिया आपने भगवान बुद्ध के संदेश की व्याख्या की तथा बताया कि कैसे भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त कर कर संसार के अंधकार को दूर करने का संकल्प लिया आपके इस विचार इस उद्बोधन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ सर, सर बहुत बहुत आभार हमारे अनुरोध पर अपने व्यस्ततम समय समय से जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभय केश तिवारी जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ सर कि आपका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा बना रहता है आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने यहाँ आया मैं धी पत्रिका के आयोज संपादक मंडल का भी धन्यवाद करता हूँ और हर एक प्रत्येक सदस्य का भी अभिनंदन अभी और अभिवंदन करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इस पत्रिका का संकलन किया और आज तिरसठवा अंक था इस धी पत्रिका का आपने भगवान बुद्ध को अर्पित किया मैं पूरे संपादक मंडल का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं संस्थान की कुलसचिव महोदया डॉक्टर सुनीता चंद्रा मैडम का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हर एक क्षण हर एक तैयारी में इस समारोह की तैयारी में अपना अमूल समय दिया अपना विचार दिया अपनी डायरेक्शन हम लोग को दिए कि इसका सफल आयोजन कैसे करना है आपका भी बहुत बहुत आभार मैडम बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे संस्थान के परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर वांशु दोर्जी नेगी जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आपने अपने इस अमूल्य वक्तव्य में बताया कि आप आपने बताया कि हम कल होंगे कि नहीं होंगे पर हमारे कार्य सत्कर्म हमेशा इस संसार में स्मरण किए जाते हैं इसलिए हम सभी को भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए सत्कर्म करना चाहिए दुख नहीं देना चाहिए आपने ये भी बताया कि सभी प्राणी में बुद्ध बनने की क्षमता है हर एक प्राणी के अंदर बुद्ध तत्व थोड़ा तो जरूर होता है और वो कोशिश करे तो बुद्ध की प्राप्ति हो सकती है बुद्ध सिर्फ भगवान बुद्ध नहीं पर बुद्ध वो है जिसमें असीमित ज्ञान है असीमित करुणा है एवं असीमित परोपकार करने की क्षमता है आपके इस वक्तव्य के लिए आपके आशीर्वाद के लिए सर बहुत बहुत आभार हम बहुत संस्थान परिवार बहुत कृतज्ञ है और अंत में मैं यहाँ पे प्रधारे प्रत्येक जनमानस का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग अपने व्यस्तम समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हुए सबके विचार सुने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाँ एक छोटा सा शीज कार्य है जो बीच में पता चला आ, हमारे संस्थान के आ, हिंदी विभाग के प्रोफेसर बाबूराम त्रिपाठी जी कुछ ग्रंथ जो है भेंट करना चाहते हैं कुलसचिव महोदय और सर को चाहोधरा की आत्मकथा अभी अभी हमारे बीच वाराणसी के पुलिस कमिश्नर साहब श्री अशोक जैन जी पधारे हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है अभिवंदन है और आपने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल कर हम लोग के बीच उपस्थित हुए इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर बहुत बहुत धन्यवाद आप अब मैं अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करना चाहता हूं और एक सूचना आई है कि आज का रात्रि भोजन अनाथ पिंडित जो अतिथि अतिथिगृह में है आप सभी उपस्थित लोग साधारण आमंत्रित हैं धन्यवाद